गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है एसएससी का जो अपना पेपर नंबर 250 है उसको अपन सोल्व करने वाले हैं। और स्टार्ट में जो है अपन इंग्लिश वाला सोल्व करें, उसके बाद में प्रदीप सर जो है वो रीजनिंग और मैथ्स से डील करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 76 वाला। ठीक है, अपने यहाँ से स्टार्ट करें, मतलब अपना फर्स्ट जो है वो 76 है। फर्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो यहाँ पे आपके पास अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट का मतलब प्रॉपर, जो बहुत सही हो उसके लिए। जो वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है यहाँ पे सिनोनिम लिखा हुआ है, इसका थोड़ा ध्यान रहे। सिनोनिम मींस सिमिलर वर्ड होता है। तो फर्स्ट वर्ड आपके पास में लिखा हुआ वो है डिलीक्वेंट। इसको डेलीक्वेंट बोलने की बजाय इसको अपन को बोलना अपन को डिलीक्वेंट। तो डिलीक्वेंट जो है वो किसी भी ऐसे पर्सन के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं जिसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा इंसल्टिंग हो, जो सामने वाले को जब भी बात करें तो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ की केयर नहीं करते हैं, उसके लिए है। तो इसको जो अपन को याद करना है वो अपन को यहाँ से याद करना है कि यहाँ जो लिखा हुआ है, वैसे अपने जो कैपिटल है वो है आपके पास में दिल्ली, लेकिन अपन को यहाँ से दिल्ली से याद करने कि जो दिल्ली के लोग होते हैं उनका जो बोलचाल है उसमें बहुत ज्यादा गाली गलौज वगैरह रहती है। ठीक है, कि जो दिल्ली के लोग होते हैं, दिल्ली के जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिलीक्वेंट होता है, मतलब थोड़ा सा अपमानजनक होता है। अब आपको चारों वर्ड्स हैं वो देखने। तो फर्स्ट आपके पास वर्ड है रिवार्डिंग। वर्ड रिवार्डिंग का जो मतलब है वो तो है किसी कुछ इनाम देने वाला, कुछ बढ़िया प्रशंसा करने वाली बात है। फिर वर्ड आपके पास में डिस्पेयरिंग है। वर्ड डिस्पेयरिंग का मतलब होपलेस, बिल्कुल डिस्पेयर हो गया, मतलब कोई भी उम्मीद ना बची हो उस सिचुएशन के लिए। वर्ड चार्मिंग है आपके पास में। वर्ड चार्मिंग का मतलब जो है वो अट्रैक्टिव। और फर्स्ट जो आपके पास वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अफेंडिंग। ठीक है, इसका एक थोड़ा ये भी ख्याल रहे आपको कि इसको अपन को ऑफेंडिंग नहीं बोलना है, इसको अपन को अफेंडिंग बोलना है। और ये जो वर्ड आपके पास में है इसको आप जो याद करना है आपको वो यहाँ से याद करना है कि एक वर्ड आपके पास जो बनता है वो बनता है ऑफेंस। ठीक है, ये इसको भी अफेंस बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन। अफेंस जो है, अफेंस वर्ड का मतलब है क्राइम। अफेंस जो वर्ड है इसका मतलब क्राइम से है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इसको आप याद कर सकते हो यहां से कि इसमें एक जो वर्ड बन रहा है वो आपके पास में फेंस वर्ड बन रहा है, या इससे आप बना सकते हैं एक वर्ड फेंसिस। वर्ड फेंसिस से मतलब क्या है? जैसे नॉर्मल जो भी कोई प्लॉट वगैरह हो रखा है, प्लॉट वगैरह है किसी का, उसके चारों तरफ जो है वो फेंसेस वगैरह लगा दी। फेंसेस का मतलब कुछ बाड़ बंदी वगैरह कर दी, या फिर यूँ समझ लो अपने इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो है वो फेंसेस लगी हुई है ताकि वहाँ से जो भी कोई स्मगलिंग वाला काम होता है या कुछ भी इलीगल वहाँ पे कुछ क्राइम वगैरह होता है उसके लिए वहाँ पे अपने सोल्जर्स जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं ताकि फेंसेस के जरिए क्राइम को रोका जा सके। ठीक है, तो अफेंस का मतलब क्राइम आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ड है अफेंसिव हल्का सा आपको नजर आएगा कि कुछ सिमिलर वर्ड है। तो अगर किसी का बिहेवियर जो है वो अफेंडिंग बिहेवियर है तो वो ऐसा बिहेवियर जो सामने वाले को शॉक कर दे, सामने वाले को जो थोड़ा उसका तो नीचा दिखाए, इंसल्टिंग फील करवाए, उसके सेंस में। तो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास में पैराजम्बल्स हैं, चार आपके पास सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस इनको आपको देनी है। तो पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद अपन देखते हैं। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन दे रखा है ऐड द प्रोडक्ट टू योर शॉपिंग कार्ट, मतलब कुछ भी शॉपिंग वाला मामला है अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जब शॉपिंग करते हैं उसके लिए। तो पहला इसने लिख के दिया आपकी अपना जो प्रोडक्ट है उसको आप शॉपिंग कार्ट में एड करो। फिर लिखा है सेलेक्ट द ब्रांड यू लाइक, जो ब्रांड आपको पसंद है उसको आप जो भी है उसको चुन लीजिएगा। एंटर द कार्ड डिटेल्स एंड बाई द प्रोडक्ट ऑनलाइन, की अपनी कार्ड की जो डिटेल्स हैं और उनको एंटर करो और प्रोडक्ट खरीद लीजिएगा। फिर है लुक फॉर द प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज, कि उस प्रोडक्ट को आप तलाश करें, उसको खोजें जो आपको पसंद है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस आपके पास। पहला देखिएगा, सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि अपन को कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके पास में है। और जैसे ही अपन कोई प्रोडक्ट पसंद कर लेते हैं कि अपन को ये प्रोडक्ट वगैरह जो है ये खरीदना है, तो उसके अंदर अपन ब्रांड्स के अंदर जाते हैं, कौन से ब्रांड का अपन को प्रोडक्ट खरीदना है ये वाला। और वहां पे जाने के बाद में अपन जो है उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट के अंदर जो है वो है ना ऐड कर देते हैं, और उसके बाद अपन को जो है वो अपने कार्ड के जो डिटेल्स है वो एंटर करने और प्रोडक्ट अपन खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन जो है स्टार्ट करोगे आप डी से शुरू करोगे, और डी के बाद में आपके पास में है ऑप्शन बी वाला, और उसके बाद में है आपके पास में ए ऑप्शन, और लास्ट जो आपके पास में है वो है सी वाला ऑप्शन। तो डी बी ए सी आपके पास ऑप्शन बन जाएगा, मतलब ऑप्शन जो है वो डी वाला आंसर हो जाएगा। आसान है, आप करेंगे ट्राई हो जाएगा ये। नेक्स्ट आपके पास में सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द, एंटोनिम नहीं बोलते इसको, एंटोनिम बोलते हैं। एंटोनिम मींस ऑपोजिट वर्ड, कि जो भी आपके पास गिवन वर्ड है उसका आपको एंटोनिम देना है। तो पहली बात तो ये कि वर्ड कौन सा आपके पास में, वो है फॉर्मिडेबल। जो वर्ड आपके पास में फॉर्मिडेबल होता है इसका मतलब होता है पावरफुल, या इसको बोलती है आपने पावरफुल, इसका मतलब जो है पावरफुल से। अब पावरफुल से कैसे, मतलब कोई भी पर्सनैलिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसके सेंस में अपन वर्ड यूज करते हैं। जनरली आप इसको याद यूं कर सकते हो, किसी भी क्रिकेट प्लेयर जो है उसके नाम से आप याद कर सकते हो। कोई भी प्लेयर है फिलहाल मान लो वो कि बहुत ज्यादा फॉर्म में है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो प्लेयर हो जाएगा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वो पावरफुल हो जाएगा मतलब लोग उससे या सामने वाली जो टीम्स हैं उससे थोड़ा सा डरेंगी, थोड़ा सा उसके लिए। तो वर्ड फॉर्म से आपको याद करना है एफ आर एम, जो फॉर्म आपके पास में लिखा है, कि जो प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, डरते हैं लोग उनसे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में डेंजरस लिखा हुआ, डेंजरस आपके पास इसके लिए सिमिलर वर्ड ही होगा, कि डेंजरस का मतलब वही हुआ। फिर आपके पास वर्ड ट्रिवियल लिखा हुआ, वर्ड ट्रिवियल जो है ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट,
जो ट्रिवियल आपके पास वर्ड है इसका मतलब है नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ भी ऐसा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा महत्व का नहीं है उसके सेंस में। तो कैसे याद करोगे इसको? इसमें जो वर्ड आपके पास में ट्राई वर्ड बन रहा है, टी आर आई वर्ड, देखो ट्राई से आप वर्ड बना, ट्राइंगल वर्ड बनाते हैं, ठीक है, कोई ट्राइलेटरल सीरीज हो रहा है, ठीक है, और कोई ट्राइलेटरल टॉक्स वगैरह है, मतलब जहां पे तीन देश जो है वो शामिल हो रहे हैं, कोई तीन क्रिकेट की टीम खेल रही है, और एक आप पास में और आप याद कर सकते हो ट्राई वगैरह से कि कोई भी मान लीजिए कोई एक तो वर्ड आप पास में होता है क्रॉस रोड्स, एक आप पास में वर्ड है क्रॉस रोड्स, और क्रॉस रोड्स का मतलब आप पास में जहां पे भी कोई भी रोड्स हैं, जो दो रोड्स आपस क्रॉस कर रही है एक चौराहा बन रहा है, और इसी तरह से आप जो है कोई ऐसी रोड देख लीजिएगा जहां पे कोई जो है तीन रास्ते आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी इस तरह से रोड है और इस तरह से एक रोड और आके उसमें मिल रही है, ठीक है, तो ये वाला जो कट है उसको अपन बोल देंगे कि भाई ये तिराहा वगैरह कोई बन रहा है। तो यहाँ पे इससे किसके जरिए कैसे याद करोगे? सपोज करिए कि यहाँ पे जो पूरा ट्रैफिक है वो आ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और साइड में जो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं अपनी गाड़ियां लेकर जो इनका वेट कर रहे हैं जाने का, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये जो लोग आपस में वहां पे अपनी बातें कर रहे होंगे, तो कैसी बातें करेंगे? वहां पे कोई बिजनेस की डील नहीं हो सकती, वहां पे कुछ भी इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो वहां पे जो डिस्कशन चल रहा होगा वो बहुत ही ट्रिवियल चीजों का डिस्कशन चल रहा होगा, मतलब बहुत ही अनइंपॉर्टेंट चीजों का जो डिस्कशन है वो चल रहा होगा, ठीक है। फिर थर्ड वाला आपके पास ऑप्शन है वो है स्केरी वर्ड, स्केरी मतलब जो डराने वाली चीज, उसके वर्ड अपालिंग आपके पास में लिखा हुआ है, अपालिंग का मतलब भी शॉकिंग होता है, और ये जो वर्ड आपके पास बना हुआ है ये इस वर्ड से बना हुआ है अपाल से, और वर्ड जो अपाल आपके पास में है, अपाल मींस टू शॉक समवन, किसी को शॉक कर देना। अब यहां पे इसको आप याद करोगे तो वो वर्ड पाल से आप याद कर लीजिएगा। पाल से कैसे आप याद करेंगे? देखिएगा, जो वर्ड पाल आपके पास में है इसका मतलब होता है फ्रेंड, जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है उसके अंदर आप किसी को अगर ये बोल रहे हैं कि ही इज माई फ्रेंड, तो उसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं ही इज माई पाल, ठीक है, पाल का मतलब हो गया फ्रेंड। अब मान लो कोई भी किसी का फ्रेंड है और उस फ्रेंड ने कुछ भी बहुत ही अजीब बात कर दी, कुछ बहुत ही खतरनाक कोई काम कर दिया, ठीक है, तो साथ वाले जो लोग हैं बाकी वो क्या हो जाएंगे? अपाल हो जाएंगे, मतलब वो शॉक हो जाएंगे। उसका जो एक्टिविटी है ये, वो एक्टिविटी कैसी होगी? वो एक्टिविटी होगी आपके पास में अपालिंग, और अपालिंग मीन्स कैसी एक्टिविटी है? वो शॉकिंग एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास में चार वर्ड्स हैं, फॉर्मिडेबल का मतलब जो पावरफुल है, जिससे लोग डरें ऐसा कुछ होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब डेंजरस, जो डराने वाली चीज, स्केरी मतलब ये, अपालिंग का मतलब शॉक करने वाला ऐसा कुछ है, ठीक है, किसी प्लेयर ने कुछ बहुत ही कम बॉल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर कर दिया, या किसी भी बॉलर ने जो है वो बहुत कम रन देकर जो बहुत ज्यादा विकेट्स ले ली, तो ये जो सिचुएशन होगी वो बहुत ही अपालिंग लगने वाली है सामने वाले के लिए, शॉकिंग लगने वाली है। तो तीनों जो वर्ड्स आपके पास में है, भले ए ऑप्शन हो, भले सी ऑप्शन है, भले डी ऑप्शन है, ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम बनने वाले हैं, और अपन को जो नीड है वो है एंटोनिम की। तो अपना जो वर्ड है वो है ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, एक तो ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही फॉर्मिडेबल है, और एक ऐसा प्लेयर है जो ट्रिवियल है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो उसके सेंस में, तो इसका जो अपना आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास में है आइडेंटिफाई द सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, ठीक है, विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, आपको इसमें ग्रामर की एरर जो है वो देखनी है। द ओल्ड वुमन इन आर लोकेलिटी, लोकेलिटी मीन्स लोकल एरिया की, जो महिला है हमारे जो लोकल एरिया में महिला है, इज नोविंग फॉर हर हॉट टेम्पर, हॉट टेम्पर का मतलब थोड़ा गुस्सा वाला जो स्वभाव होता है उसके लिए, बैड टेम्पर्ड के सेंस में है। अब यहाँ पे जो आपको याद करना है इसको, वो याद करना है कि यहाँ पे आपको एक वर्ब नजर आ रही है, वो है नो, और जो नो वाली वर्ब है वो एक स्टेट ऑफ माइंड, वो एक्शन नहीं है। अब स्टेट ऑफ माइंड में और एक्शन में क्या डिफरेंस है? अगर कोई पर्सन पढ़ाता है, कोई पर्सन पढ़ रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई भी आ रहा है कहीं से, कोई जा रहा है, तो ये एक्शंस की एक्टिविटीज में आती है। और वहीं पे कुछ होता है आपके पास में स्टेट ऑफ माइंड, अगर मैंने आपको बोला कि आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, मुझे आपको अगर ये भी बोलना है कि मैं आपको 5 वर्षों से जानता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये सेंटेंस बनाएंगे आई हैव बीन नोइंग फॉर 5 ईयर्स, आपको बनाना पड़ेगा आई हैव नोन यू फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो कुछ वर्ब्स हैं जो स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप एक आधी वर्ब और देखो, जैसे लाइक वर्ब है कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो वो उनका एक्शन नहीं है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। अगर अपन लिखे पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, तो वो उनका स्टेट ऑफ माइंड है, तो उसको अपन पेरेंट्स आर लविंग देयर चिल्ड्रन नहीं करने वाले, और चिल्ड्रन जो है वो आर लाइकिंग स्वीट, है ना, स्वीट्स नहीं करने वाले। तो इसमें एक चीज ध्यान रहे कि ये जो वर्ब है आपके पास में, इसके साथ आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब ए ऑप्शन आपके पास में गलत हो गया। अब बात यह है कि अगर अपन ये यूज नहीं कर सकते तो अपन यहां पर इसकी जगह यूज करें क्या, कि अगर ये जो चीज लिखा हुआ है इसकी जगह अपन क्या लिखें, इसकी जगह अपन नो लिखें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में, तो क्या इसके साथ में ऑप्शन अपन इज नो कर दें, या थर्ड ऑप्शन आप पास में है कि अपन इसकी जगह इज नोन कर दें, कि ये ऑप्शन और देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आपने कर दिया तो इसका मतलब है कि वो महिला जानती है किसी को, ठीक है, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। फिर आप पास में इज नो लिखा है, इज जो आप पास में बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज इंग्लिश लैंग्वेज में होता नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। बी की फॉर्म के ठीक बाद में या तो आप यूज कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म, या आप यूज कर सकते हैं थर्ड फॉर्म, या फिर आप यूज कर सकते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। तो यहां पे ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर आप इज नोन लिखते हैं, इसका मतलब है
कि जो लोकेलिटी के जो लोग हैं, जो लोकल एरिया वाले जो लोग हैं, वो उनको जानते हैं, और इसका पैसिव जो बन गया कि उनको जाना जाता है इस चीज के लिए, ठीक है। तो आप बेसिक अगर कोई बच्चा शुरुआत कर रहा है एटलीस्ट, तो वो कम से कम एरर पहचान ले, ये वाली एरर है, और जो बच्चे थोड़ा पढ़ लिए हैं तो वो चीज़ों को बेहतर ढंग से और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपके पास में है डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का, आपके पास में सेंटेंस है यहाँ पे। तो इसमें इतना ख्याल रखना कि दो आपके पास में पार्ट्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ पीटर सेड, इसको अपन बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और एक आपके पास पार्ट लिखा हुआ ही ब्रोक हिज ग्लासेस, ये आपके पास में जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच। कहने का मतलब इतना सा, पहला जो पार्ट आपके पास लिखा उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब लिखी हुई है, ये जो सेड लिखा हुआ उसकी जगह सेज भी हो सकता था, उसकी जगह विल से भी हो सकता था, बस ख्याल इस बात का रहे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपके पास में अगर वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सब चेंजेस होते हैं, सब चेंजेस से मतलब प्रोनाउन का चेंज भी है, टेंस का चेंज भी है, और एडवर्बियल का चेंज भी है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का चेंज रहता है, एडवर्बियल का और टेंस का चेंज नहीं रहता है। तो यहाँ पे अपन के पास में जो वर्ब है वो पास्ट टेंस की है, इसका मतलब हम लोग चेंज करेंगे, और चेंज करने में क्या रहता है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, जो भी आपको टेंस गिवन है उससे एक स्टेप आपको आगे जाना है। एक स्टेप आगे जाने का मतलब है अगर कोई टेंस प्रेजेंट सिंपल का आपको दे रखा है तो पास्ट सिंपल लिखना है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है तो पास्ट कंटिन्यूस करना है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया तो पास्ट परफेक्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है, पास्ट सिंपल है, एक स्टेप आगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट जो आपके पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उनमें कोई चेंज होता नहीं है। फ्यूचर में अगर आपको कहीं पर विल और शैल दे रखे तो वो वुड और शुड में कन्वर्ट होते हैं, कैन आपको दे रखा तो कुड है, मे आपको दे रखा तो माइट है, इस तरह से आपको वो कन्वर्जन होता है। तो अब अपन को देखना है कि यहाँ पे एक स्टेप अपना आगे क्या रहने वाला है, सेड में तो कुछ सेड टू तो दिया नहीं, जो अपन कन्वर्ट करें तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और नॉर्मल सेंटेंस से अपन का कनेक्टर दैट रहने वाला है, और अपन को यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखी है, मतलब एक स्टेप आगे जाना है, पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट करना है, तो पास्ट परफेक्ट जो होगा वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन में इज हो गया तो ऑपोजिट अपन उल्टे नहीं जाने वाले, ये भी आपके पास, ये तो वैसे ही गलत हो गया, सब्जेक्ट हुआ एग्रीमेंट के हिसाब से, और ये प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर रखा, तो इजी क्वेश्चन था आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में है एक ईडियम है मुहावरा, तो देखिए फर्स्ट आपके पास में टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है, कोई भी चीज है उसको खरीदने में या कोई भी चीज है उसको करने में जो है अपना खर्चा हो रहा है वो हो रहा है कि एक पांव जा रहा है और एक हाथ जा रहा है, इसका मतलब लिटरली ऐसा नहीं कि हाथ और पांव जा रहे हैं, इसका मतलब इतना सा है कि जहां पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, कोई भी थोड़ा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब आदमी है, उसके लिए होली और दिवाली मनाने के अंदर जो है आप यूं समझ लीजिएगा कि दैट कॉस्ट्स हिम एन आर्म एंड लेग, ठीक है, कि उसको उसके अंदर बहुत खर्चा उसका लग जाता है, ये वाला। तो टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब आपके पास में है कोई चीज का बहुत ज्यादा महंगा होने के सेंस में है, इसका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास में पैसिव वॉइस का सेंटेंस, आपके पास पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स यस्टरडे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सिंपल चीज है आपके पास में कि जो सब्जेक्ट है उसे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, जो ऑब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट बनाना है, उसके अलावा जिस चीज का ख्याल रखना होता है कि इसमें अपन टेंस का चेंज नहीं करते। टेंस का चेंज नहीं करने से मतलब इतना सा है कि अगर आपका जो गिवन सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट का रहेगा, अगर वो पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। जो चीज अपन को एड करना है वो एड करनी है बी की फॉर्म, अगर आप बी की फॉर्म के साथ में थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तो वो आपके पास में जो पैसिव बन जाता है। अब यहां पे जो आपके पास में लिखा हुआ वो लिखा हुआ अरेस्टेड, अरेस्टेड आपके पास में जो लिखा हुआ है वो है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गया, इसका मतलब वो पास्ट सिंपल का हो गया, पास्ट सिंपल का है। अब पास्ट के लिए अपन को बी की फॉर्म चाहिए तो पास्ट के लिए जो बी की फॉर्म है वो अपन के पास में वॉज और वर होती है। अब इसमें अपन को देखना क्या करें क्या नहीं करें, तो फर्स्ट ऑप्शन में तो अपन को हेड दे रखा है तो अपन का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। सेकंड सेंटेंस आपके पास में वो दोनों में वर दे रखा है, अच्छी बात है, यहाँ पे हैव है ये गलत हो गया, तो वर वर दोनों में चल रहा है लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बींग दे रखा है, बींग अपन तब तक यूज नहीं करते जब तक अपन को आईएनजी फॉर्म नहीं दे रखी है, ठीक है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा इसमें वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था ये भी कुछ। नेक्स्ट आपके पास में है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब जो भी अंडरलाइन सेगमेंट है उसको चेंज करने के लिए अपन को बेस्ट ऑप्शन चेक करना है। वो देखा टन्स ऑफ शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि टनों के अंदर जो है वो जो भेड़ वगैरह है वो ग्रेजिंग कर रही है, चारा वगैरह खा रही है फील्ड के अंदर। तो ध्यान रहे जो टन्स वगैरह अपन वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए, और जो शिप है वो काउंटेबल होती है, और काउंटेबल में ये आपके पास में एक ऐसा वर्ड होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सिचुएशन में सिमिलर रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो जो शिप है वो नंबर के अंदर है, मतलब क्वांटिटी में नहीं, अगर वो क्वांटिटी में नहीं है तो अपन इसके पहले जो वो टन्स का यूज नहीं करने वाले, तो क्या यूज कर सकते हैं सबसे पहले तो ये देखते हैं। यहां तो शिप लिखा हुआ है ये पॉसिबल नहीं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में सेम रहता है वर्ड, यहां पे भी शिप पॉसिबल नहीं, तो अपन के पास में या तो नो इंप्रूवमेंट जाएगा या सी ऑप्शन जाने वाला है। तो जो शिप है वो वो काउंटेबल है नंबर के लिए आता तो नंबर के लिए, और यहां पे जो है अगर कोई भेड़ वगैरह उनका कोई झुंड वगैरह तो उसके लिए अपन वर्ड फ्लॉक यूज करते हैं, उसके लिए अपन टन्स वगैरह वर्ड यूज नहीं करते, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है आपको एंटोनिम ट्राई करना है, तो पहला जो आपको वर्ड दे रखा है वो दे रखा आइडेंटिकल,
वर्ड जो आइडेंटिकल आपके पास वर्ड है इसका मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर होने के सेंस में। तो पहला जो वर्ड सिमिलर दे रखा है वो इसका सिनोनिम हो गया। फिर आपके पास वर्ड दे रखा है वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्ड है कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ही इक्विवेलेंट होता है, इसका मतलब इक्वल होता है, उसके समान के सेंस में ही होता है, ठीक है। तो ये भी सिमिलर वर्ड हो गया। फिर आपको वर्ड दे रखा है इनडिस्टिंग्विशेबल, तो यहां पर चीज का ख्याल रहे कि जो वर्ड डिस्टिंग्विश होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट कर पाना, कि अगर आप दो चीजें हैं उनके अंदर आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, और वहीं पे अगर कोई चीज इनडिस्टिंग्विशेबल है इसका मतलब उन दोनों में अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कोई कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका मतलब हुआ कि हम दोनों को, हमको जो है वो दोनों जो है वो इक्वल ही लगते हैं, दोनों को सेम ही लगते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। तो इनडिस्टिंग्विशेबल हो भले कॉरेस्पॉन्डिंग है भले आपस में सिमिलर, तीनों का ही मतलब जो सेम ही है, ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना डिफरेंट। नेक्स्ट आपके पास में है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, कि जो इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है वेलर, वर्ड वेलर का मींस करेज है और यही स्पेलिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो आपके पास में लिखा है वो लिखा है वरेशियस, इसको वरेशियस नहीं बोलना होता, इसको वरेशियस बोलना होता है, और वरेशियस की स्पेलिंग जो है उसमें आपको कुछ एड करना पड़ेगा यहाँ पे, वो है CIOUS आपको लिखना पड़ेगा। जो वर्ड वरेशियस होता है, वरेशियस का मतलब अगर कोई खाने पीने के मामले में व्यक्ति वरेशियस है तो अपन उसको ग्रीडी बोलते हैं, और वहीं पे अगर कोई पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा जिज्ञासु कोई पर्सन है, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है, तो उसके लिए आप वरेशियस रीडर भी वर्ड यूज कर सकते हैं। वीडियो कोई गलत नहीं स्पेलिंग। वर्ड वॉलेंट्री आपको दे रखा है, वॉलेंट्री का मतलब जो अपनी इच्छा से कोई काम करे, उसके सेंस में वर्ड होता है। तो ऑप्शन इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू ये फिल इन द ब्लैंक, आपके पास क्वेश्चन। द योगा इंस्ट्रक्टर, योगा सिखाने वाले जो हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, वाज एट द स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्टूडेंट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर, उसके लचीलेपन को देखकर, उसके फुर्ती को देखकर जो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब, टीचर डिस्टर्ब नहीं होते। अमेज का मतलब है चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना, और रिडिकल का मतलब मजाक उड़ाने वाली बात है, और एंग्री मतलब गुस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो स्टूडेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को, योगा टीचर जो है वो किसी को कुछ सिखा रहे हैं और सामने वाले बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो वो इस चीज़ से गुस्सा नहीं होते हैं, इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाते हैं, इस चीज़ से परेशान नहीं होते, वो इस चीज़ से मतलब सरप्राइज हो सकते हैं उनको कि इतना फ्लेक्सिबल कोई कैसे हो सकता है। इसके लिए अंदर आप करेंगे ऑप्शन अमेज्ड, आसान है ये भी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास में पैराजंबल का सेनेस, आपके पास पैराजंबल है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट सेनेस लिखा था पुलिस सस्पेक्टेड द मैन टू बी अ थीफ, एक पुलिस जो है उसको डाउट हुआ कि ये व्यक्ति चोर है। दूसरा देन द ट्रायल बिगिन इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर ट्रायल शुरू हुआ। फिर है आपके पास में उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसको 2 साल की सजा सुनाएगी। तो सबसे पहले आपको देखना है, देखिएगा जो डी ऑप्शन है उसमें बोल दिया 2 साल की सजा सुनाएगी, पहले अपन चोर को पकड़ेंगे उसके बाद सजा सुनाने वाली बात है। अब यहाँ पे है कि ही वॉज सून अरेस्टेड, अब हमें ये पता नहीं कि ही किसके लिए दे रखा है, ही आपके पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन है इसका मतलब कोई ना कोई नाउन दिया होगा, इसके लिए कुछ रेफरेंस दिया होगा। जो बी ऑप्शन आपके पास में उसमें आपको देन दे रखा है, देन मतलब कोई चीज होने के बाद दूसरी सिचुएशन में, ट्रायल शुरू हुआ, ट्रायल पहले किसी को पकड़ेंगे उसके बाद में। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ए से आप शुरू कर सकते हैं कि पुलिस जो है किसी उसको किसी के ऊपर डाउट हुआ तो ए ऑप्शन हो गया, डाउट होने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद में उसका जो है वो ट्रायल शुरू हुआ और ट्रायल शुरू होने के बाद में उसको 2 साल की सजा हो गई। तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ए सी बी डी हो जाएगा, इसमें सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है आप वही सेगमेंट देखना जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो, तो वो क्या है इसमें देखिए, व्हेन हैरी कम बैक होम ही सो ब्लड एवरीवेयर, कि जब वो वापस घर आया तो उसे चारों तरफ जो है वो ब्लड ही ब्लड नजर आया। तो कोई बच्चा शुरुआत कर रहा है उसको अगर टेंस वगैरह का आइडिया नहीं है तो इतना जरूर देख सकता है कि अगर हैरी लिखा हो तो वर्ब सिमिलर देनी पड़ेगी, वर्ब कम जानी चाहिए, लेकिन टेंस आपके पास में पास्ट का होने, पास्ट की सिचुएशन है, पास्ट की सिचुएशन को डील करे तो आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे व्हेन हैरी कैम बैक होम ही सो ब्लड एवरीवेयर, बाकी में कोई परेशानी नहीं है, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपके पास में है वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट है, बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली है। तो फर्स्ट आपके पास वर्ड दे रखा है हॉरिंडस, जो वर्ड हॉरिंडस है, वर्ड हॉरिंडस का मतलब बहुत ज्यादा हॉरिबल हो, कोई भी चीज है जो बहुत ज्यादा हॉरिबल है, कोई बहुत ज्यादा डरावनी है, परेशान कर दे, अपसेट कर दे अपन को, उसके लिए है। दूसरा वर्ड हाइटन लिखा हुआ, हाइटन का मतलब जो इंक्रीज किया हुआ है, जो बढ़ाया हुआ है उसके सेंस में। वर्ड जो आपके पास में ह्यूमैन लिखा, वर्ड ह्यूमैन का जो मतलब होता है वो काइंड के सेंस में होता है, आप याद कर सकते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको काइंड होना चाहिए, ह्यूमैन होना चाहिए। फिर आपके पास वर्ड है ह्यूमरस, वर्ड ह्यूमरस का मतलब मजाकिया जो है, उसके लिए ह्यूमरस को जोक्स वगैरह, तो मजाकिया जो जोक है उसके सेंस में आता है। तो कोई भी चीज जो बहुत अनप्लेजेंट है वो काइंड नहीं हो सकती, वो इंक्रीज करने के सेंस में नहीं हो सकती और मजाके के सेंस में नहीं है, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा हॉरेंडस ऑप्शन हो जाएगा, जिसका मतलब है जो चीज बहुत ज्यादा हॉरिबल हो उसके सेंस में। नेक्स्ट आपके पास में है सिनोनिम ट्राई करना, आपको सिमिलर वर्ड देखना। तो वर्ड आपके पास में है वो है प्रोडिजियस, इसको प्रोडिजियस नहीं बोलना, प्रोडिजियस इसको बोलना है, और प्रोडिजियस का मतलब होता है
बहुत ज्यादा इमेंस होने के सेंस में, बहुत ज्यादा कॉलोसल होने के सेंस में, बहुत ज्यादा ह्यूज बिग होने के सेंस में, ठीक है। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, याद यूं कर सकते हैं, जो भी आईफोन प्रो वगैरह जो भी नए मॉडल्स वगैरह आते हैं यूं समझ लीजिएगा, उनको खरीदने में एक बहुत बड़ा बजट लग जाता है, एक मैसिव बजट लग जाता है उसके लिए, ह्यूज बजट लगता है। पहला वर्ड आपके पास एक्साइटिंग अलग सेंस है, प्राउड है आपके पास फील करना, जो अनइम्पोर्टेंट मतलब जिसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, वर्ड इमेंस का मतलब ह्यूज के सेंस में होता है, बिग के सेंस में होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड प्रोडिजियस आपके पास में है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो प्रोडिजियस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है गवर्नमेंट, हाँ फिल इन द ब्लैंक आपके पास में, द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की, जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस हैं जो भी बिजनेस वगैरह हैं वो, और प्राइवेटाइज की, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। एज, एज का मतलब बिकॉज दे वर हैवी लॉसेस ऑन अ डेली बेसिस, ये वर्ड आपके पास यहाँ पे आना चाहिए, कि उनको हर रोज जो है वो बहुत बड़ा लॉस जो है, पहला ऑप्शन है कंटेनिंग, कंटेन करना मतलब कंट्रोल करना, लॉस को कंट्रोल करने से प्राइवेट नहीं करते उनको। दूसरा ऑप्शन अर्निंग, अपन लॉस कमाते नहीं है, और इनकरिंग का मतलब होता है पे करना, इनकर करना जो वर्ड आपके पास में, इसका मतलब पे करना है, क्योंकि हर रोज उनको जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है वो भारी जो लॉसेस थे वो पे करने पड़ रहे थे, और डिमांड नहीं करते अपन हैवी लॉसेस की, कभी अपनी डिमांड नहीं होती कि बहुत नुकसान होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी जो गवर्नमेंट की, जो प्राइवेट गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा उनको पे करना पड़ रहा था लॉस वगैरह, इसलिए उनको जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया, ऑप्शन सी अपना हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि समथिंग लाइक एन ओपनिंग, कुछ ओपनिंग के जैसे, पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच इज नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल जैसे कि जैसे नोज है उसकी जो ओपनिंग है, माउथ है जो उसकी ओपनिंग है उसके सेंस में आपके पास, इसके लिए कौन सा वर्ड रहना चाहिए। तो पहला जो आपके पास वर्ड है वो दे रखे आपके पास अब्सक्योर, जो वर्ड अब्सक्योर वर्ड है आपके पास में, ऑब्सक्योर नहीं बोलना, इसको अब्सक्योर ही बोलना होता है। वर्ड अब्सक्योर का जो मतलब है जो चीज क्लियर नहीं है, जो चीज अस्पष्ट है, जो चीज स्पष्ट नहीं है उसके सेंस में। इसको कैसे याद कर लोगे, इसको आप यूं याद कर लीजिएगा, इस स्पेलिंग को हल्का सा आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बच्चे जो है वो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करते हैं ताकि जो है उनका लाइफ जो है वो सिक्योर हो सके, ताकि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है इस चीज को लेकर जो है वो उनके मामले दिमाग में कुछ भी जो चीजें हैं वो ऐसा ना हो कि क्लियर ना रहे। तो अपनी चीजों को क्लियर करने के सेंस में आप यहां से ऑब्सक्योर वर्ड को याद कर सकते हो, ऑब्सक्योर करना, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट होने के सेंस में। सेकंड वर्ड है इसको ऑब्ट्यूज नहीं बोलना, इसको अपन को जो है वो ऑब्ट्यूज ही बोलना है। ऑब्ट्यूज का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो है जो बहुत ज्यादा स्लो होता है, कोई काम वाम करने की इच्छा उसकी ना हो उसके सेंस में वर्ड यूज करते हैं। वर्ड आपस में एक और है ऑब्लीक, ऑब्लीक जो वर्ड है उसका मतलब होता है इनडायरेक्ट, किसी के ऊपर कोई बात बोली जा रही है वो डायरेक्ट उसको नहीं बोल रहे अपन, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, तो वो वर्ड आपस में है ऑब्लीक वर्ड है। और जो अपना आंसर है वो है ओरिफिस आपके पास वर्ड है, जिसमें जो ओपनिंग वगैरह है, जो नाक वगैरह की ओपनिंग है, माउथ की ओपनिंग है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन ओरिफिस। तो वर्ड ऑब्स्क्योर का मतलब है जो चीज क्लियर नहीं है उसके सेंस में, जो अब्ट्यूज आपके पास वर्ड है वो स्लो के सेंस में, और ऑरिफिस आपके पास में ओपनिंग के सेंस में, और जो वर्ड आपके पास में ब्लीक लिखा हुआ है वो इनडायरेक्ट के सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, फर्स्ट वर्ड आपको ही नजर आ जाएगा, कन्विंसिंग की स्पेलिंग जो है सी ओ एन वी आई एन सी आई एन जी है, इसमें आपको ई जो है इड की इसकी नीड नहीं है। कन्विंसिंग मतलब जो चीज किसी को भरोसा दिलाने वाली है उसके लिए। नेक्स्ट आपके पास वर्ड कंकशन वर्ड दे रखा है, कंकशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जो भी मान लो किसी को कुछ चोट लगी है, कुछ भी वीकनेस की वजह से जो बेहोशी वगैरह होती है उसके लिए अपन कंकशन वर्ड यूज करते हैं। फिर वर्ड आपके पास में कम्युमरेट दे रखा है, वर्ड कम्युमरेट मतलब किसी को कुछ याद दिलाना। अब किसी को कुछ याद दिलाने से मतलब कैसे याद करोगे, यहाँ पे वर्ड आपको नजर आएगा मेमोरी से, यहाँ जो वर्ड है वो मेमोरी आपको वर्ड नजर आएगा, कि अगर कुछ भी फोटोज वगैरह पड़ी हुई है आपके पास में तो वो मेमोरी जो है वो आपको वापस कम्युमरेट करवाती है, याद दिलाती है पुरानी चीजों को। फिर वर्ड आपके पास में कन्वेंस दे रखा है, कन्वेंस आपके पास में एक तो यूं यूज कर सकते हो कि मान लो कोई भी स्कूल है, कोई भी संस्था है, वो कन्वेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब जो भी बच्चे हैं उनको लाना ले जाना जो है इसका काम करते हैं, कन्वेंस उस व्हीकल के लिए भी यूज करते हैं और एक जगह से आने जाने के सेंस में भी वर्ड कन्वेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। कंकशन का मतलब है अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कम्युनिकेट करना, किसी को चीज याद दिलाना। वर्ड कन्वेंस का मतलब एक व्हीकल के सेंस में भी है और कहीं जाने के सेंस में भी इसको वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में ईडियम है फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल आपके पास में ईडियम है और इसको याद इस तरह से कर लीजिएगा, ये अमेरिकन फ्रेज है, वहां से इस सेंस में इसको यूज करते हैं कि कोई भी कुल्हाड़ी वगैरह जो है उसका हैंडल जो है वो कुल्हाड़ी से लूज हो जाता है तो कुल्हाड़ी जो है वो फ्लाई कर जाती है, हैंडल से दूर चली जाती है। अब हैंडल से वो कुल्हाड़ी दूर चली गई है इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कैसे याद करना है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो फिलहाल एकदम नॉर्मल स्टेट में काम कर रहा है और अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए उसके लिए, जैसे कुल्हाड़ी अगर उस जो हैंडल है उससे अलग हो जाती है तो वो किसी को चोट पहुंचा सकती है, इसी तरह से ऐसा जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा एनरेज्ड हो जाए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए उसके सेंस में यूज करते हैं फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, कि जो अपना बैलेंस नहीं बना पाए, बात बात पे जो बिगड़ जाए उसके सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में द डीन सेड, डीन ने कहा यू कैन हैव नीदर जैम नोर बटर, की ना तो आपको जैम मिल सकता है ना आपको बटर मिल सकता है,
बट नॉट बोथ। अब लेकिन यहां पे आपको नजर आएगा बट नॉट बोथ। अब बट नॉट बोथ का मतलब ये है कि भाई आप दोनों नहीं ले सकते, दोनों नहीं ले सकते, इसका मतलब दोनों में से कोई एक ले सकते हो। तो उसके फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, यू कैन हैव ईदर जैम और बटर, या तो जैम ले लीजिएगा या बटर ले लीजिएगा, आपको दोनों चीजें जो है एक साथ नहीं लेनी है। तो इसमें इस चीज का ध्यान रखना, नोका और का कोई आपके पास में पेयर नहीं है। और अगर आपने बोल दिया यू कैन हैव जेम एंड बटर, आप जेम और बटर दोनों ले सकते हैं, तो फिर ये साथ में जो ऑप्शन है ये यहाँ पे सूट नहीं करेगा, बट नॉट बोथ वाला। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास में क्लोज टेस्ट है, द टू मेन बोर्ड, वर्ड बो करने का मतलब अभिवादन करना जो है सामने वाले को, जो है ग्रीट करने के सेंस में वर्ड यूज करते हैं, बोर्ड टू वन। अब यहाँ पे इस चीज का थोड़ा ख्याल रहे, एक आपके पास में एक्सप्रेशन है ईच अदर, जो अपन दो लोगों के सेंस में यूज करते हैं, और एक अपन के पास मतलब वन अदर अनदर, जो दो से ज्यादा लोगों के सेंस में यूज करते हैं। पर यहां पे क्या है, यहां पे कोई भी फाइटर है जो है, फाइट करने वाला पर्सन है, और वो अपनी सिचुएशन अपनी जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो फाइटर वगैरह वो जो कॉलोक्वियल लैंग्वेज होता है, जो डे टू डे स्पीच होता है, उसको वो यूज करते हैं, उन्हें ग्रामर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इनफॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से मामला है, तो कि बोला कि वो जो दोनों लोग थे, उन दोनों लोगों ने एक दूसरे को अभिवादन किया। तो यहाँ पे एक दूसरे के सेंस में जो वन के साथ में वर्ड यूज करेंगे, वो वन सेल्फ नहीं बोलेंगे कि एक ने अपने आप को अभिवादन कर लिया, ठीक है, वन अदर नहीं होता, वन अनदर होता है, मतलब एक दूसरे के सेंस में, और वन ईच अपन यूज नहीं करते। तो यहां पे ख्याल रहे, तो वन अनदर का पेयर बनता है, हालांकि दो के सेंस में ईच अदर होता तो ज्यादा बेहतर होता, बट वो आपके पास में ऑप्शन नहीं है, इस बात का ख्याल रहे। इनफॉर्मल इंग्लिश में आप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में द टू मैन बोर्ड टू वन अनदर एंड पार्टेड, वर्ड पार्ट होना मतलब अलग हो जाना, ठीक है, अभिवादन किया और वहां से अलग हो गए। टॉम फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट, टॉम ने अपने आप को पाया, तो डिफिकल्ट किस चीज में पाया, अभी फर्स्ट ऑप्शन सिचुएशन, लोकेशन, रिलेशन, स्टेशन, अपने आप को मुश्किल हालात में पाया, परिस्थिति में पाया, उसके सेंस में इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन सिचुएशन आप कर दिएगा। नेक्स्ट आपके पास में है, उसको डिफिकल्ट सिचुएशन किस बात की थी, तो वो यूं है, द टॉम फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ही वॉज गोइंग टू थ्री ड्वेल्स, थ्री, यहाँ जो वर्ड ड्वेल आपको दे रखा है, ड्वेल का मतलब होता है द्वंद युद्ध, दो लोगों की आपस में जो फाइट है उसके लिए बोलते हैं। He was going to, अब किसी बच्चे को यहाँ पे किसी ने बोला कि participate answer होगा, ध्यान रखना participate answer इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई in नहीं दे रखा, कि he was going to participate in three duels नहीं दे रखा, अगर in होता तो आप participate भी कर सकते थे। और तो three duels होता है ना, उसको अपन सोचते नहीं है, उसको अपन फिगर नहीं करते, अपन duels को अपन को फाइट करना होता है, कि वो तीन जो है वो फाइट करने वाला है duel in a, अब यहाँ पे है in a place of 3 hours, 3 hours का place नहीं होता, in a time of 3 hours, इसका सोच सकते हो, डिफरेंस अंतर वाली बात नहीं है, इन अ मैटर ऑफ 3 hours। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास एक फ्रेज है इन अ मैटर ऑफ आवर्स या मिनट्स, इन अ मैटर ऑफ आवर्स या इन अ मैटर ऑफ मिनट्स का जो मतलब होता है वो बहुत ही कम समय के सेंस में होता है, कि बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो मैटर करना पड़ेगा, यहां पे काफी सारे बच्चे जो हैं वो टाइम आंसर करेंगे, तो ध्यान रखना ये फ्रेज है इंग्लिश का, फिक्स फ्रेज है, इन अ मैटर ऑफ आवर्स या इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, ठीक है। मैटर वाला वर्ड आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे वहां पे आपको ही मिल जाएगा। थ्री ड्वेल्स इन अ मैटर ऑफ 3 hours, वो 3 hours के जो मैटर में मतलब उस टाइम के अंदर जो है वो तीन फाइट करने वाला है। इवन उसके बाद में उसने सोचा, इवन इफ आई एम किल्ड, अगर इस सिचुएशन में मारा भी जाता हूं, इट विल बी अ, तो ये कैसी डेथ होने वाली है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन करना था, इवन इफ आई एम किल्ड इट विल बी अ डेथ ही थॉट, तो कैसी डेथ हो, क्यूरियस का मतलब बहुत ही उत्सुक, तो मौत उत्सुक नहीं होती है, लेबोरियस का मतलब बहुत ही मेहनती, और ग्लोरियस का मतलब शानदार, और स्पूरियस का मतलब फेक। तो जो डेथ होगी, तीन फाइट करते टाइम पे, बैक टू बैक तीन फाइट कर रहे हैं, और ये सोच रहे कि अगर तीनों फाइट करते टाइम पे अगर मैं मारा भी गया तो जो मौत होने वाली है वो बहुत ही ग्लोरियस होने वाली है, ठीक है। ये वाला एक पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, आप अच्छा खासा स्कोर इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में बाद में, और तब तक आप रीजनिंग और मैथ्स जो है उसका सॉल्यूशन देखिएगा, प्रदीप सर करवाने वाले हैं, मिलते हैं मुझे। रुक गया।
नहीं आ रही है, अब शायद आवाज आई है, देखो। हेलो एवरीवन, अभी आपने इंग्लिश का सॉल्यूशन देखा है, अभी अपन डिस्कस करेंगे आपका रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको चार लेटर क्लस्टर दे रखे हैं आपको, उनमें से तीन किसी तरह से एक समान है, एक अलग है, और आपको अलग बताना है क्या है। देखो यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स का क्लस्टर दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करो, इन अल्फाबेट्स में क्या होगा, आपके जो वैल्यू होंगे वो कुछ इंक्रीज डिक्रीज होके तीन में सेम पैटर्न फॉलो होगा, चौथे में कोई अलग होगा। देखो किस में पैटर्न सेम फॉलो रहा है, पहला आपका एन पी एस वी, देखो यदि मैं प्लेस वैल्यू रखूँ 14, 16, 19, 22, फिर रखूँ मैं बी ई एच के, ये 2, 5, 8 और 11, फिर देखो एक्स ए डी जी, ये 24, 1, 4, 7, और उसके बाद क्यू टी डब्ल्यू और जेड है, ये 17 है, 20 है, 23 और 26। यहाँ पे आप देखोगे आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, देखो यहाँ पे मैं गया मेरा +2 ऐड हुआ, फिर गया +3 ऐड हुआ, फिर गया +3 ऐड हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा 3 ऐड हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ, यहाँ 3 ऐड हुआ, यहाँ पे देखो x से मैं a पे जाऊँगा, तो x से मुझे a पे जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने 26 होते हैं, 26 के बाद आपका a आता है, यानी मैं उसको मान के चलूँगा वो मेरा 27th नंबर पे है, तो 27 में से 24 गया आपको 3 देगा, यहाँ पे भी 3 देगा और यहाँ पे भी 3 देगा, यहाँ से देखो 3, 3 और 3। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका, मैं जब पहली से दूसरे पे जा रहा हूँ, दूसरी से तीसरी पे जा रहा हूँ, तीसरी से चौथे पे जा रहा हूँ, तो आपका तीन तीन प्लेस वैल्यू में ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3, 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 3, 3 ऐड हो रहा है, लेकिन जब आप पहला ऑप्शन देखोगे यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, बाकी में 3, 3 ऐड हो रहा है, तो यदि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है 3 में और 1 में नहीं हो रहा है तो वो आपका अलग है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज है और आपको कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा। देखो 13 दे रखा है, 16 दे रखा है, 20 दे रखा है, 25 दे रखा है, 31 दे रखा है, यदि आप ध्यान से देखोगे 13, 16, 20, 25, 31, और आपको माइनस भी दिख रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, देखो यहाँ पे एक बार माइनस को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, यहाँ पे आप देखोगे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, तो अब आपका 7 ऐड होना चाहिए जैसे सीरीज चले, और आप माइनस देखोगे तो आपका अल्टरनेट में माइनस लगा हुआ है, उसके बाद माइनस, देखो पहले माइनस की टर्म, फिर प्लस की, फिर माइनस, फिर प्लस, अब माइनस, अब आना चाहिए आपका प्लस, और 31 में आप 7 जोड़ दो, यानी प्लस का 38, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका डाइस का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं एक ही पास से कि आपको दो पोजीशंस दिखा रखी हैं, अब कह रहे हैं कि जो आपका 6 है उसके अपोजिट क्या आएगा, तो सबसे पहले ये देखो 6 किस में है, आपका 6 यहाँ, उसके अलावा जो नंबर बच गए उनमें से यदि मैं एक नंबर या दो नंबर किसी में कॉमन लेके आ सकता हूँ दूसरे डाइस में, कोई भी दो डाइस है, यहाँ तो दो दे रखे हैं, आगे हो सकता है दो से ज्यादा हो, तो एक नंबर या दो नंबर कोई भी कॉमन है तो मैं बता सकता हूँ कि 6 के अपोजिट क्या होगा। जब आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो 1 और 3 आपको यहाँ मिलेगा, 1 और 3 यहाँ मिलेगा, जब भी कोई डाइस है उसमें आपके दो फेस है उन पे सेम नंबर लिखे हैं, तो दो फेस देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डाइस में, ये जैसे अपना डाइस है, देखो डाइस में मैं बात करूं ये आपको दो दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, अब 2 और 3 आपको दिख रहे हैं, अब इनके साथ आपको या तो ये संख्या दिखेगी या ये दिखेगी, इसकी दो पोजीशन में 2 और 3 दिख रहे हैं, मैं या तो इस कोने से देख सकता हूँ या फिर उस कोने से देख सकता हूँ, जब मैं इसको इस कोने से देखूंगा 2 और 3 के साथ मुझे ये दिखेगा, जब मैं इस कोने से देखूंगा 2 और 3 के साथ मुझे ये दिखेगा, यानी ये वाली संख्या जो मुझे दिख रही है और अब ये नई संख्या जो दिख रही है, लेकिन ये दो तो आपके फिक्स्ड है, पहले ये दिख रही थी अब ये दिख रही है, तो ये जो दोनों अलग संख्याएं दिख रही हैं ये आपकी क्या है, ये आपके यहाँ अपोजिट फेसिस पे, तो यानी यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा 2 के अपोजिट, और यही पूछा था 6 के अपोजिट क्या होगा, यानी आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि श्रृंखला में आगे क्या आएगा, यानी जो आपके विकल्प है या फिर ऑप्शन है यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो यदि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मैं पहले से ये आपका पहला डायग्राम मान लो, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, आपको जाना है पांचवें पे, पांचवा कैसा होगा, देखो अपने को ये ऑब्जर्व करना है, ये आपको दिख रहा होगा पहले में यहाँ पे तीर है, ये थोड़ा टेढ़ा है आपका, उसके बाद ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसके बाद क्या हुआ ये वाला यहाँ, देखो जस्ट आपकी शिफ्टिंग चल रही है कि मैं इसको यहाँ रख दूँ उसके यहाँ रख दूँ, शिफ्टिंग में आप देखोगे पहले इसकी डायरेक्शन इस साइड थी अब यहाँ पे, पहले तो मुझे शिफ्टिंग बताओ जब मैं पहले से दूसरे पे गया हूँ तो क्या शिफ्टिंग हुई है, देखो यहाँ पे आपको 1, 2 और 3, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, तो जब मेरी शिफ्टिंग हुई है वो कैसे हुई है पहले से दूसरे में, देखो जो पहला था वो तीसरे की जगह चला गया, यानी पहला उठ के आगे वाले में तीसरे की जगह आ रहा है, यानी यहाँ पहला आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ है दूसरा, देखो
यहाँ पे जो दूसरा था वो पहले की जगह आ गया, यानी दूसरा आपका पहले की जगह आ रहा है। और आप देख पा रहे हो, देखो पहला तीसरे की जगह चला गया, दूसरा पहले की जगह आ गया, और तीसरा आपका दूसरे की जगह आ गया। यहाँ पे जो तीसरा था आगे वाले में वो दूसरे की जगह है, यानी तीसरा यहाँ पे आ गया आपका। तो देखो पहला यहाँ आ गया था, दूसरा यहाँ, यानी यदि मैं यहाँ पे एक दो तीन रखूंगा तो मेरा आगे वाला फिगर में क्या हो रहा है, एक तो मेरा आखिरी में जा रहा है, तीन मेरा दो की जगह आ रहा है, और दो मेरा एक की जगह आ रहा है। यानी आपका ये ऐसे रोटेट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे रोटेट हो रहा है, ये यहाँ चला गया, वो आगे चला गया, वो उससे आगे चला गया। अब ये क्या ये रोटेट नॉर्मल तरीके से हो रहा है? देखो अगर नॉर्मल तरीके से होता तो जो मेरा एरो था वो मुझे ऐसे ही दिखता। अब मेरा पहले एरो ऐसे था, अब मुझे ये एरो ऐसे दिख रहा है। तो जब ये एरो ऐसे दिखता है तो इसका मतलब होता है इसकी वाटर इमेज या फिर जल प्रतिबिंब बन रहा है आपका, यानी इसका बन रहा है वाटर इमेज। उसके बाद देखो क्या हुआ, चलो ये तीर तो यहाँ पे आ गया, एरो तो जो ये तीसरा दूसरे पे गया है, यानी जो आपका पहला यहां से यहां गया है, इसकी बन गई आपकी वाटर इमेज। और जो आपका थर्ड था वो सेकंड पे गया है, देखो जो थर्ड था सेकंड पे गया वो आपको सेम दिख रहा है, यानी जो थर्ड है वो आपका सेकंड पे दिख रहा है वो आपका सेम है, और जो सेकंड था वो पहले पे आया है। जो सेकंड पहले पे आया वो देखो कैसे गया, पहले आपको ये ऐसे दिख रहा था, अभी आपको दिख रहा है ऐसे, यानी इसकी आपकी कौन सी इमेज बनी है, इसकी बनी है आपकी मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब। तो बस ये मेरा फॉलो हो रहा है तो मैं आगे भी चेक कर लूंगा क्या ऐसे ही हो रहा है। देखो जब मैं दूसरे में गया तो मेरा पहले से तीसरे पे आया है, तो पहले मेरी क्या बनी है, देखो पहला तीसरे पे जाके मेरी वाटर इमेज बना गया। उसके बाद मेरा तीसरा दूसरे पे आया है, देखो तीसरा दूसरे पे आया कोई चेंज नहीं है, और दूसरा पहले पे आया उसकी कौन सी इमेज बनी है, मिरर इमेज। तो ये वाला लॉजिक इसमें लगा दो, देखो जो पहले पे आपका वो आपका था इस साइड, अब इसकी आपको क्या बनाना है, ये आपका इस साइड मानो, देखो ये था, ये मुझे लेके जाना है आगे वाले में तीसरे पे, और इसकी कौन सी इमेज बनानी है, इसकी बनानी है मुझे वाटर इमेज। तो आपका कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है उसकी वाटर इमेज आपकी कैसे बनेगी, उसकी वाटर इमेज बनेगी आपकी ऐसे। अब ये वाला देखो, और ये तीसरे पे आएगा, तीसरे पे इस साइड आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन बचे आपके पहला और तीसरा। अब आपको क्या करना है, जो तीसरा था वो दूसरे पे जाएगा और सेम रहेगा, तो यानी ये वाला है ये मुझे यहाँ पे रखना है, सेम रखना है। देखो इसमें भी सेम है, यानी ये दो सेम आ गए आपके, ये दो सेम है। फिर आगे जो आपका दूसरा था वो पहले पे जाएगा, और पहले पे जाके इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज। जब इसकी मिरर इमेज बनेगी, ये आपको ऐसे दे रखा है, और जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये आपको ऐसे दिखेगा। तो ये वाला देखो पहले में ये आपका उल्टा कर दिया, और जो आपका इसके जैसा बन रहा है वो आपका ऑप्शन सी, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ट मूवमेंट कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन इतना ही था कि अपना जो तीसरा है, जो पहला है वो तीसरे पे जा रहा है, तीसरा दूसरे पे जा रहा है, दूसरा पहले पे जा रहा है। तो जो आपका पहला था वो आपका तीसरे में जा रहा है, उसकी बन रही है आपकी वाटर इमेज। जो तीसरा दूसरे पे जा रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जो दूसरा पहले पे जा रहा है उसकी बन रही है मिरर इमेज। बस नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहे हैं कौन सी दो डिजिट है वो आपको चेंज करनी चाहिए ताकि आपका जो ये आंसर है वो सही आ जाए, यानी आप जब इसको सॉल्व करोगे आंसर सही नहीं आएगा, मुझे कुछ डिजिट चेंज करनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करो, जहां पे भी डिवाइड है उसको चेक करो। देखो ऐसे क्वेश्चनों को अपन रिजेक्ट करते हैं ऑप्शन के कौन सी वैल्यू में नहीं रख सकता वो देख लो। यहाँ पे यदि वो एक आठ छ एक या सात इनमें से कोई भी चीज रिप्लेस कर रहा है तो वो ऐसे रिप्लेस होगी कि मेरी जो ये वैल्यू वो परफेक्ट आपकी कटे। जैसे मैं अब 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 एकम 17 बच गया 16, यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है। और यहाँ पे आप देखोगे आपको आंसर एक परफेक्ट आंसर दिख रहा है। तो इसके लिए देखो क्या क्या चेंज करा है। पहला ऑप्शन कह रहा है दो और सात को, यदि मैं दो और सात को रिप्लेस कर दूं तो 186/12 ये आ जाएगा। क्या ये 12 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? देखो 12 एकम 12 बच गया आपका 46, सॉरी 12 एकम 12 और बच गया 66। अब 12 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। आगे मैं 8 और 3 को रिप्लेस करूं, देखो 8 और 3 को रिप्लेस करूंगा तो 136/17 हो जाएगा। यहाँ से क्या मेरा ये डिवाइड हो पा रहा है? देखो 17 17 17 119 और 17 18 136 ये आपका डिवाइड हो पा रहा है। तो यानी मैं इसको एक बार वेट करूंगा कि क्या ये मेरा मतलब आंसर ये मेरा हो सकता है। आगे मैं चलूंगा 6 और 4 को, देखो 1 8 4 इसको डिवाइड कर दो 17। अब 17 से डिवाइड करूंगा, 17 एकम 17 बच गया 14, ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। फिर है 4 को मैं रिप्लेस करूंगा 7 से, तो यानी 1 8 6 तो एज टीज है और मैं 4 को 7 से रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ 7 की जगह 4। देखो डिवाइड करोगे 14 एकम 14 बच गया 26, क्या मुझे 26 कंप्लीट डिवाइड होकर आंसर देगा? ये भी नहीं देगा। तो मेरा जो भी ऑप्शन है जो मुझे आंसर सही दे सकता है वो एक ही ऑप्शन है बी, ये मेरा आंसर है। यदि आप इसको रख के देखोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलोक का क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ स्टेटमेंट दे रखी है आपको और ये मानना है कि स्टेटमेंट आपकी सही है, तो कौन सा निष्कर्ष आपका स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे ओनली का कॉन्सेप्ट यूज है, ओनली एफ यू, आपको दो वर्ड मिलेंगे, ओनली एफ यू मिल जाएगा कई बार और ओनली फ्यू मिल जाएगा, दोनों का मतलब सेम होता है। ओनली एफ यू ये आपका दो स्टेटमेंट लेके चलता है, जैसे कहीं पे भी इसी क्वेश्चन की बात करूं मैं, ओनली एफ यू ए आर बी, यानी केवल कुछ ए बी है, तो ये दो स्टेटमेंट लेके चलता है आपका ओनली एफ यू या फिर ओनली फ्यू। और वो दो स्टेटमेंट क्या है, देखो ये पहली स्टेटमेंट ये लेके चलता है, यदि वो बात कर रहा है ओनली एफ यू ए आर बी, यानी सम ए आर बी कुछ ए बी है और सम ए आर नॉट बी कुछ ए बी नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट ही लेके चलता है। जैसे यदि मैं डायग्राम की बात करूं ये वाला, तो ये कह रहा है ये आपका ए है ये बी है, ये कह रहा है सम ओनली एफ यू ए आर बी, यानी ये वाला कि कुछ ए मेरे क्या है बी है, और साथ ही साथ आपका ये स्टेटमेंट भी लेके चलता है कि जो कुछ ए है यहाँ पे जो ए है वो इसके बी बिल्कुल नहीं है, ये दो स्टेटमेंट लेके चलता है, पहला कुछ है दूसरी कुछ नहीं है। आगे क्या कह रहा है देखो, यदि मैं बात करूं इतनी ओनली एफ यू ए आर बी यानी कुछ ए बी है, तो ये डायग्राम बन गया। फिर कह रहा है कुछ बी है वो सी है, देखो बी और सी के बारे में ऐसा कह रखा है, अब ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकता उसका डायग्राम अपन कैसे ही बना सकते हैं। देखो अब आप कंक्लूजन देखो क्या करें, ये कह रहा है कुछ ए है वो सी नहीं है, देखो ए और सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया ना पॉजिटिव बात उसके बारे में हम बोल सकते ना नेगेटिव बात बोल सकते। यदि अपने को पता है कि दो व्यक्ति हैं, अब अपने को बोले कि क्या वो उसका भाई है, फिर ये बोले कि क्या वो उसका भाई नहीं है, अपन कुछ भी नहीं कह सकते, ना ये कह सकते वो उसका भाई है ना ये कह सकते उसका भाई नहीं है, अपने को पता ही नहीं, अपन श्योर ही नहीं है इन चीज में। तो ए और सी में यदि रिलेशन या तो होगा या नहीं होगा तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आगे कह रहे हैं ऑल ए बींग बी इज ए पॉसिबिलिटी, सभी ए के बी होने की संभावना है। देखो यदि मैं सभी ए को बी के अंदर रख दूं, यदि मेरा ओनली एफ यू नहीं होता सिर्फ ये होता सम ए आर बी, तब मैं ये पॉसिबिलिटी ले सकता था, लेकिन इसका मतलब है जब सभी ए बी हो जाएंगे तो जो कुछ ए जो बी नहीं है वो मेरी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, तो जो ये ओनली वाली बात है वो मेरी गलत हो जाएगी यहाँ पे, जब मैं सभी ए को बी के अंदर रख दूंगा तो, क्योंकि कुछ मेरे ए ऐसे हैं जो बी नहीं है और वो कभी भी बी नहीं हो सकते, इसलिए ए सारा कभी भी बी के अंदर नहीं आ सकता। तो यानी आपका ये भी गलत है ये भी गलत है, तो इसमें से कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करता, ना पहला ना दूसरा। और यहीं पे आपका ओनली एफ यू आ गया ये और आपका सम आ गया, ये ध्यान रखना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ओनली वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर कह रहा है सभी पेपर हैं वो चिप्स हैं। देखो यदि मैं पेपर की बात करूं, ये आपके पेपर हैं ये चिप्स हैं, फिर कह रहा है कुछ चिप्स हैं वो बोर्ड हैं, ये कुछ चिप्स हैं वो बोर्ड हैं, कुछ बोर्ड हैं वो लेन है, ये लेन है आपका, और सभी लेन है वो रोड्स हैं, ये आपके रोड हैं। अब कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है कुछ रोड है वो आपके बोर्ड हैं, देखो कुछ बोर्ड आपके लेन है यानी ये वाला पोर्शन आपका लेन है, और सभी लेन है वो आपकी रोड है, तो यानी ये वाला पोर्शन जो लेन और बोर्ड का कॉमन था वो रोड होगा, ये यही कह रहा है कुछ रोड है वो आपके बोर्ड है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कुछ लेन है वो चिप्स है, देखो लेन यहाँ है चिप्स यहाँ है, लेन का रिलेशन सिर्फ बोर्ड के साथ है ना चिप्स के साथ है ना फिर आपका पेपर के साथ है, तो जिसके साथ भी रिलेशन नहीं दे रखा है अपन, ना तो ये बोल सकते हैं उसके साथ रिलेशन है ना ये बोल सकते हैं उसके साथ रिलेशन नहीं है, यानी वहां पॉजिटिव भी बात नहीं बोल सकते और नेगेटिव भी बात। तो यहाँ पे कह रहा है आपका कि कुछ लेन है वो चिप्स है, तो कुछ लेन और चिप्स के बारे में अपन बिल्कुल नहीं कह सकते, ना वो ना अपन ये कह सकते हैं कि कुछ लेन चिप्स है, ना ये कह सकते कोई लेन चिप्स नहीं है। फिर आगे कह रहा है कुछ बोर्ड है वो पेपर है, देखो बोर्ड का रिलेशन चिप्स के साथ है, पेपर के साथ कुछ नहीं दे रखा, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अपन बोल नहीं सकते कि है ही। फिर कह रहा है कुछ रोड हैं जो चिप्स हैं, देखो रोड यहाँ है चिप्स यहाँ है, इनका भी रिलेशन नहीं दे रखा है तो अपन कुछ नहीं कह सकते, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है। और ऑप्शन वहाँ पे आप देखोगे 1 and 2, 1 3, 1 3 4 और 1 3 2, मतलब है ही नहीं सिर्फ ए, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है जो कि आपका सेटिस्फाई कर रहा हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी लैंग्वेज में डब्ल्यू ए एन डी को लिखते हैं अपन 24015 1 9, इसको लिखते हैं अपन 24015 9, और आपका कार्ड है इसको लिखते हैं अपन 4201 9 3। देखो सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू रखो,
जैसे ही प्लेस वैल्यू रखोगे आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा कि ये जो कोड वर्ड यूज किया गया है वो एक्चुअल में क्या यूज किया गया। देखो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू यदि मैं फ्रंट से बात करूँ तो 23 है, ए की 1 है, एन की 14 है और डी आपकी 4 है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि कहाँ पे क्या चेंज कर रखा है। अब कर्ड की बात करें, सी आपका 3 है, यू आपका 21 है, आर आपका 18 है, डी आपका 4 है। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रखा है वो अपने को चेक करना है। देखो किसी में चेक कर लो, यहाँ पे आप जाओगे, देखो 3 से मैं 4 गया यानी मेरा एक वैल्यू बढ़ गया, फिर मैं 21 से 20 गया यानी मेरी एक वैल्यू घट गई, फिर मैं 18 से 19 गया मेरी एक वैल्यू बढ़ गई, यानी फिर मैं 4 से 3 गया एक वैल्यू कम हो गई। यानी आपका हो रहा है +1 -1 +1 -1, यानी जो आपका अल्टरनेट पे पहले +1 हो रहा है फिर -1 फिर +1 फिर -1, क्या इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है। देखो 23 से मैं 24 गया +1, यहाँ पे मैं -1, यहाँ पे +1 और ये डी 4 19, यानी आपका कुछ चेंज है। ये डी की जगह यहाँ पे टी आना चाहिए था, डब्ल्यू ए एन टी, ताकि यहाँ पे 20 होता और 20 से आपका एक माइनस होके 19 आता। ये टाइपिंग मिस्टेक है, अब ठीक कर लेना। देखो यानी जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो +1 -1 +1 -1, और यही पैटर्न यदि आपको पता लग रहा है तो जो पूछ रहा है उसमें लगा दो। देखो कह रहा है ईस्ट को कैसे कोड करेगा, तो ईस्ट ई की प्लेस वैल्यू 5, इसकी 1, इसकी 19 और इसकी 20। देखो पहले में +1 है, यहाँ -1 है, +1 है, -1 है। देखो +1 करूंगा मैं इसकी जगह तो मुझे देगा 6, -1 करूंगा तो 0, 19 में एक जोड़ूंगा 20 और 20 में से एक घटाऊंगा 19, तो यानी 6 0 20 19, ये आपका जहां भी आपका ऑप्शन है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको इसमें ट्रायंगल काउंट करनी है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। देखो इस फिगर में ट्रायंगल काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल दिख रही होंगी कि इसमें आपकी 3 ट्रायंगल होती है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये डायग्राम बीच में दिख रहा होगा, इसमें कितनी होती है 8। तो बस इन्हीं का चीज कर इन्हीं का चीजों का यूज करके आपको देखना है टोटल कितने। तो यहाँ पे यदि बात करें इस फिगर की, यहाँ पे 3 ट्रायंगल, यहाँ पे 3 ट्रायंगल, यहाँ 3 और यहाँ पे 3। अब बीच वाला फिगर देखोगे आप, बीच वाला फिगर मैं जब भी कोई भी फिगर है उसमें डायगोनल मिला रखे हो आपके, टेढ़ा बना रखा है, जब डायगोनल मिला रखे हो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, तो आप 1 2 3 4 लिख दो, जितने भी आपके छोटे ट्रायंगल बनेंगे तो उनका डबल कर दो, उतने आपके ट्रायंगल होते हैं। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 4 बना 4 का डबल करोगे 8, यानी आपको कितनी बन गई 8 ये मिल गई और 12 वो मिल गई, यानी टोटल मिल गया आपको 20। अब देखो क्या आपको और लाइनें भी दिख रही हैं, क्या उन लाइनों से मैं वो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो यानी अब आपको क्या करना है, अब यदि देखो मैंने इसकी ट्रायंगल काउंट की है, यहाँ ट्रायंगल काउंट की है, यदि कोई नई ट्रायंगल अब बनेगी तो मैं जो दो फिगर को मिलाना पड़ेगा, और दो फिगर को मिलाऊंगा तो जो पहले फिगर से दूसरे फिगर में मेरी जो लाइन जा रही है वो अगर ट्रायंगल बनाएगी तो वो किसी न किसी ट्रायंगल की वो साइड होगी, कोई भी साइड होगी वो। देखो अब यहाँ पे यदि मैं इन दो फिगर को मिलाने की बात करूँ तो वो इस लाइन से मिल रही है, देखो ये लाइन इस फिगर से यहाँ जा रही है, और जब ये लाइन मैं देखूंगा तो मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगी, ये वाली यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गई। जब मुझे एक में ये मिली है बाकी में मिलेंगी, देखो एक ये मिल जाएगी, एक आपको ये मिल जाएगी और एक आपको ये मिल जाएगी, यानी इसके अलावा मुझे 4 ट्रायंगल और मिल जाएंगे, तो मेरी टोटल ट्रायंगल हो जाएंगी 24। इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल आपको बनती हुई नहीं दिखाई देगी, तो यानी इसका आंसर आपका 24। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहे हैं देखो, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल आकांक्षा राजीव सेड हर डॉटर्स फादर्स वाइफ्स मदर इज माई वाइफ्स डॉटर्स मदर्स मदर इन लॉ, हाउ इज राजीव रिलेटेड टू आकांक्षा। यानी देखो ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो अपन ब्लड रिलेशन है वो अपन हिंदी में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, तो इसको हमेशा हिंदी में पढ़ने की कोशिश करो। देखो एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, राजीव कह रहा है उसकी, तो ये उसके वर्ड यूज हुआ अभी आकांक्षा के लिए। देखो ये कह रहा है आकांक्षा की बेटी के पिता की पत्नी, यानी आकांक्षा की बेटी का पिता, आकांक्षा का हस्बैंड की पत्नी, खुद आकांक्षा की माँ, बस यहां तक रुक जाओ। यानी ये कह रहा है जो आकांक्षा की जो माँ है, यहाँ पे आकांक्षा है और उसकी कोई माँ है। अब यहाँ पे रुक के फुल स्टॉप करो। अब ये मेरी का वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है, पहले किसी और के इंट्रोडक्शन के बारे में पहुंचो फिर खुद के बारे में करा। अब राजीव कह रहा है मेरी पत्नी की बेटी की माँ, यानी राजीव की पत्नी की बेटी की माँ कौन हुई, राजीव की वाइफ हुई की सास है, यानी ये जो औरत है वो आकांक्षा की तो माँ है और राजीव की पत्नी की सास है, यानी राजीव की भी माँ है, किसी की पत्नी की सास यानी किसी की पत्नी की सास उस व्यक्ति की क्या होगी, माँ होगी। अब ये आकांक्षा की भी माँ है राजीव की भी माँ है, तो आकांक्षा और राजीव आपस में क्या है, भाई बहन है, यही पूछ रहा है राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है, यानी राजीव आकांक्षा का क्या लगता है, तो ब्रदर या फिर भाई। नेक्स्ट
ये कह रहा है सिलेक्ट द नंबर पेयर जिसमें दो नंबर हैं वो सेम रिलेशनशिप शेयर करते हैं जैसा कि आपका इस पेयर में, यानी यहाँ पे देखो 11 और 72 है। अब या तो 11 का यूज करके मैं 72 पे पहुंचू, या फिर ये जो दो संख्या है ये किसी तीसरी संख्या से रिलेटेड है, और वही लॉजिक जो आपका यहाँ पे कुछ रेशो बन रही हो किसी स्क्वायर के नंबर के आसपास हो, ये दोनों जो सेम पैटर्न है इनमें से किसी ऑप्शन में बन रहा है वो अपने को ढूंढना है। देखो यहाँ पे 11 और 72 आप देखोगे तो मुझे 11, अगर 11 का इनडायरेक्ट मैं चलूँ तो 11 को मैं 6 से गुणा करूंगा, 11 6 66, और उसमें मैं कितना जोड़ू 6 जोड़ दूंगा, मैं 72 पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन देखो किसी को मैं 6 से गुणा करके कुछ जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे क्या मैं पहुंच पा रहा हूँ, देखो 15 6 90 है, यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ रहा है मुझे, लेकिन वहां पे आपका 6 ऐड हो रखा है। आगे देखो 7 यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ नहीं पहुंच पा रहा, अब ये 9 6 फिर ज्यादा चल रहा है। दूसरा मेरे माइंड में क्या आ सकता है, हो सकता है ये संख्या नहीं इसके आसपास की संख्याओं का कुछ यूज कर रखा हो, जैसे 11 के आसपास 12 है और मुझे पता है 12 6 72 होते हैं। अब ये हो सकता है आपका 11 दे रखा था, 11 में 1 ऐड कर रखा हो, और जो ये 6 है या तो ये रैंडम संख्या है या फिर ये 6 इस 12 का भी आता है, तो ये दो लॉजिक अपने को ढूंढने हैं। देखो जब मैं पहले ऑप्शन में गया 9 से 48, 9 से 48 9 से आगे आगे वाली संख्या लूंगा मैं 10। अब ये 6 यदि रैंडम संख्या होती तो 10 6 60 मेरा होना था, यदि ये मान लो इसकी आधी संख्या होती तो 10 को मैं इसके आधे 5 से गुणा करूंगा तो मेरा 50 उत्तर आना था, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे ये संख्या 3 होती तो 3 से आगे 4 होता, अब मैं 4 को गुणा करता, देखो 6 से गुणा करूंगा तो ज्यादा जाएगा, इसके आधे से गुणा करता 8, ये भी नहीं दे रहा है। आगे तीसरे ऑप्शन में जाऊंगा मैं, देखो 7 से आगे संख्या है 8, अब मैं 8 को इसके आधे से गुणा करूंगा वो होगा 8/2 4, जैसे ही मैं 8 को 4 से गुणा करूंगा वो 32 मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे, तो ये मेरा आंसर है। देखो क्या करना है, 11 से आगे वाली संख्या 12, अब 12 को उसके आधे से गुणा करना है, यानी 12 × 12/2 या फिर उसके स्क्वायर का आधा, बात बराबर है। देखो 11 से आगे वाली संख्या क्या होगी, 12, 12 का स्क्वायर 144, 44/2 72, ऐसे ही 7 से आगे वाली संख्या 8, 8 का स्क्वायर 64, 64/2 32, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है पेपर कटिंग का आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखो स्टार्टिंग में एक पेज था, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर यहाँ फोल्ड किया गया, और लास्ट में आपका देखो पेपर ये बन गया ऐसे, यानी मैं स्टार्टिंग में बात करूँ ये ऐसे पेपर था, ये आपका पेपर था। आखिरी में देखो इन्होंने कैसे फोल्ड किया है, पहले यहाँ पे फोल्ड कर दिया, इसको आधे को फोल्ड कर दिया, उसके बाद इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया, इसको यहाँ पे, तो जो लास्ट में आपका पेपर बचा है वो ये बचा है। अब इसमें इन्होंने क्या है, दो पंच कर दिए, यानी वो जो पंच किए हैं वो आपके यहाँ और यहाँ किए। देखो जब इस पेपर को खोलेगा तो कैसे दिखेगा, हमेशा ध्यान रखना जब इस पेपर को खोलेगा स्टार्टिंग में जो लास्ट में आपको उल्टा चलना है, देखो लास्ट में आपका ये यहाँ से फोल्ड किया गया था तो अब ये यहाँ से यहाँ पे खुलेगा और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे खुलेगा। जब इसको मैं यहाँ से यहाँ खोलूंगा, देखो ये वाला कोना उठा गया, यानी इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा मिरर इमेज या वाटर इमेज आपकी बनेंगी, अब वो किस लाइन के अलोंग बनेंगी वो देखना है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, यदि मैं इसको ऐसे खोलूंगा, पहले मैंने ऐसे फोल्ड किया था अब मैं अनफोल्ड करूंगा, तो जो ये वाला कोना है वो मेरा यहाँ पे आके मिलेगा, ये वाली साइड है वो इसके ऊपर आएगी, उसके बाद ये वाली साइड मेरी इसके ऊपर आएगी, तो जब मैं इस कोने को उठा के बिल्कुल यहाँ लेके जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब ये वाला आप ऑप्शन में देखोगे एक ही ऑप्शन है जो मुझे आंसर दे देगा, बस और कुछ नहीं करना है। इसके बाद भी यदि आपको चीजें सीखनी है कैसे होता है, देखो अब यहाँ पे देखो, अब अपने इसको भी अनफोल्ड करना है, अभी तक मैंने इसको फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने इसको भी मोड़ रखा था, यहाँ पे आप देखोगे पहले क्या हुआ था, ऊपर वाला फोल्ड कर दिया, फिर ये वाला फोल्ड कर दिया, फिर ये वाला, अब ये वाला तो खुल गया, अब मुझे ये वाला भी खोलना है, तो जब मैं इसको फोल्ड करूंगा देखो ये वाला आपका साइड यहाँ के मिलेगा, उसके बाद कौन सी साइड किस पे मिलेगी, देखो ये वाली साइड है मेरी वो इस पे आके मिलेगी, उसके बाद ये वाली साइड ये कॉमन रहेगी और ये वाली साइड आपकी इस पे आके मिलेगी, देखो ये वाली साइड है वो मेरी इस पे आके मिलेगी, तो जो ये गोले भी इसकी तरफ है ये भी आपके इसकी तरफ ही रहेंगे। उसके बाद आपको इसको ऊपर खोलना है, तो ऊपर खोलोगे तो देखो ये वाला कोना आपका यहाँ पे जाके बनेगा, ये वाली साइड मेरी यहाँ बनेगी, ये वाली साइड मेरी यहाँ बनेगी। अब देखो जब ये वाली साइड मेरी यहाँ बनेगी तो आपके जो ये गोले हैं इस साइड की तरफ है, यहाँ पे आपको इस साइड की तरफ ही मिलेंगे, तो ये पैटर्न मेरा कहाँ फॉलो हो रहा है वही मेरा आंसर है, वो है आपका ऑप्शन डी। अपन ने इसको बिल्कुल जैसे फोल्ड किया था वैसे ही ओपन कर दिया, जस्ट एक ही रूल है, जहाँ पे भी आप यदि ट्रायंगल की फॉर्म में खोल रहे हो इसको तो जो साइड जिसके ऊपर आएगी वो देख लो, उसके बाद जो मिरर और वाटर इमेज बननी है जो जिस साइड की आपकी तरफ है कोई चीज वो उसी साइड की तरफ रहेगी आपकी जब वो पेपर खुलेगा। नेक्स्ट आपका मिसिंग नंबर आपको बताना है क्या है, देखो ये आपका कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, 24 20 37 31 25 क्वेश्चन मार्क,
26, 36 और 19, यहाँ पे आप देखोगे इन संख्याओं में, देखो संख्याएं लगभग एक जैसी दिख रही है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ज्यादा डिफरेंस होता तो मैं सोचता कि भाई हो सकता है दो छोटी संख्याएं या कुछ बड़ी संख्याएं, तो यहाँ पे जब संख्याएं आपकी एक दूसरे के आसपास हो तो लॉजिक अपने सबसे पहले अपने को देखना होता है, क्या कहीं डिफरेंस मेरा तो नहीं आगे चल रहा। जो डिफरेंस है, यदि मैं यहाँ से चलो या यहाँ से चलो, डिफरेंस मेरा कुछ वैल्यू बढ़ रही है, वो इक्वल तो नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ फिर माइनस हुआ, अब पता नहीं यहाँ पे कुछ प्लस हुआ। देखो या तो डिफरेंस चलेगा तो ये एक सीक्वेंस में चलेगा कि प्लस हो रहा है तो प्लस ही होगा, माइनस हो रहा है तो माइनस ही होगा। रो में मुझे कुछ नहीं मिला। यदि मैं कॉलम की बात करूँ तो 24 से 31, फिर 26, फिर 20 से 25, फिर 36, बहुत ज़्यादा, यानी रेंडमली वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वेश्चन में जब आपकी कुछ वैल्यू इंक्रीज ना हो, डिक्रीज ना हो, और यहाँ पे देखोगे 37 दिख रहा है, 31 दिख रहा है, 19 दिख रहा है, जो किसी के मल्टीपल भी नहीं हो सकते ना, उनका कुछ आधा हो सकता है, मैं उनको डिवाइड कर सकता हूँ, तो क्या करो एक बार इन सब का सम, रो का सम करके देख लो और कॉलम का सम करके देख लो। कई बार क्या है, एग्जामिनर आपको, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये 2017 तक हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता था। अभी थोड़ा सा गैप दे दिया एसएससी ने, पिछले 2-3 साल से पूछ नहीं रही है। उसमें क्या होता था, आपका जो ये टोटल सम है ये रो और कॉलम का बराबर होता था सम में। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, देखो मैं ऐड करूंगा, 7 और 4 11, यानी लास्ट में आपका 1 आ गया, और आपका 3 2 5 2 7 और 1 8, 81 आ गया। अब तीसरे को ऐड करो, देखो 6 और 6 12 12 और 9 21, 2 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 81 आ गया। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा इनको, देखो 6 4 10 और 1 11, 1 3 2 5 2 7 और 1 8, 6 और 5 11, 3 2 5 2 7 और 1 8, यानी 81 सम आ रहा है आपका। तो यहाँ पे भी एक ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ के सम को भी 81 बनाएगी, यहाँ के सम को भी 81 बनाएगी, वो देख लो कितनी है। देखो 81 में से आप ये घटा दो, पहले मैंने 31 घटाया, 81 में से 50 बच गया, 50 में से 25 घटा दो, 25 बचेगा, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 25 हो जाएगी। और जब इनको जोड़ूंगा मैं, 37 प्लस 19 प्लस 25, ये मुझे 81 देगी। या तो ऐसे 81 कर लो या फिर ऐसे 81 कर लो, देखो 9 और 5 14 14 और 7 21, 2 3 2 5 और 1 6 और 2 8, यानी आपका आंसर है 25। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट में आपको ऑप्शन बताना है जिसमें जो फिगर है एम्बेडेड हो, यानी रोटेशन, इसको रोटेट नहीं करना है। देखो ये वाला सेम आप कहाँ बन रहा है वो आपको ढूंढना है। देखो ये आप ढूंढोगे इसमें तो आपको ये यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा, ये वाला, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है मिरर इमेज आपको बतानी है। देखो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी, यानी इसको ऐसे कैसे उल्टा दो तो ये वाली चीज मिरर के नजदीक है वो नजदीक रहेगी, जो दूर है वो दूर रहेगी। तो दो चीजें देखो स्टार्टिंग में, सिर्फ एक तो ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल का मुंह ये मिरर है, मिरर से दूर है, तो हमेशा इस ट्रायंगल का मुंह मिरर से दूर रहेगा। तो किस किस ऑप्शन में मिरर से दूर है, आप देखोगे ऑप्शन ए और सी, इस मिरर से उस साइड है तो यहाँ भी इस साइड होगा ये वाला कोना, तो यहाँ पे दो में ऑप्शन आ गया। दोबारा आप देखो इन आंखों को, आंखों को देखोगे तो मिरर से दूर इनका ब्लैक पोर्शन है, तो इस ऑप्शन में देखोगे मिरर से दूर ब्लैक ऑप्शन है, इसमें मिरर के पास आ गई है, तो यानी ये नहीं हो सकता, जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहे हैं अरेंज करना है वर्ड को एक मीनिंगफुल और लॉजिकल ऑर्डर में, यानी किसके बाद क्या आएगा। देखो ये यूनिट्स हैं और यूनिट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन सबसे कम यूनिट होती है, कौन सी सबसे ज्यादा। यदि मैं बात करूँ सबसे छोटी यूनिट वो होती है आपकी मिली, इनमें बात करें डेसी, मिली, किलो, हेक्टो, सेंटी और डेका, यानी सबसे छोटी होती है मिली और सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है किलो, और किलो से पहले आपकी आती है हेक्टो जो कि आपको 100 को रिप्रेजेंट करती है, ये किलो 1000 को रिप्रेजेंट करती है, ये आपका 100 को रिप्रेजेंट करती है। देखो पहले मिली यानी पहला ऑप्शन दो, उसके बाद किलो आपका लास्ट में, किलो 3 है, यानी 2 से स्टार्ट है 3 पे खत्म है, और आखिरी से पहला वो 4 है, तो 2 से स्टार्ट आखिरी में 4 और 3, 2 से स्टार्ट आखिरी में 4 और 3, दो ऑप्शन बच गए। चलो अभी आगे चलो, यानी क्वेश्चन अपने से सोल्व करवाना चाह रहा है वो। देखो मिली, मिली के बाद आपकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटी, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, उसके बाद आपकी होती है डेसी, फिर होती है आपकी डेका, और डेका के बाद आपका हेक्टो, तो सेंटी, डेसी और डेका। देखो सेंटी आपकी कितनी है, पहले मिली 2, उसके बाद सेंटी 5, उसके बाद डेसी 1, फिर आपका डेका यानी 6, तो आपका 2 5 1 6 4 3, 2 5 1 6 4 3, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ये कह रहा है प्लस का मतलब इनटू है, सॉरी प्लस का मतलब है इनटू, और आपका इनटू का मतलब है डिवाइड, उसके बाद डिवाइड का मतलब है सब्ट्रैक्शन माइनस, और माइनस का मतलब है एडिशन यानी प्लस। तो कह रहा है कौन सा जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन है, देन फाइंड द वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो जो वैल्यू कह रहा है वो रख दो, देखो 48 है
उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड की जगह मैं रखूंगा माइनस 12, इनटू इनटू की जगह रखूंगा मैं डिवाइड 3 है, उसके बाद माइनस 6 है, माइनस की जगह रखूंगा मैं प्लस का 6, और प्लस प्लस की जगह आपको क्या रखना है इनटू 3, यानी इसको सोल्व करना है। देखो मैं डिवाइड करूंगा 3 चौके 12, और 48 माइनस 4 प्लस 18, देखो 18 को मैं ऐड करूंगा इसमें, या फिर इसमें से 4 घटा दो, पहले 44 बच गया और इसमें 18 ऐड कर दो, देखो 2 और 4 1 5 और 1 6, 62 ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना लेटर का, जो आप सिक्वेंशली प्लेस करेंगे तो आपकी सीरीज को कंप्लीट करेगी, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज है वो अपने को कंप्लीट करनी है। देखो ये दे रखी है ए सी डैश बी डैश ए सी डैश डैश ए डैश डी डैश ए डैश सी डी डैश डैश। देखो सबसे पहले अपने को ये देखना है, यहाँ पे भी ए सी दिख रहा है, यहाँ पे भी ए सी दिख रहा है, यानी दो वैल्यू यदि कहीं पे आपकी एक जैसी दिख रही हो तो अपन मान सकते हैं कि यदि मुझे इसमें पेयर बनाने हैं कि कोई संख्या या का पेयर आपका रिपीट हो रहा है तो उतने के बाद ही रिपीट होगा जितने बार, जितने के बाद आपकी पहली संख्या रिपीट होती है। देखो इनको करने का क्या तरीका रहता है, सबसे पहले तो टोटल काउंट करो टोटल कितने हैं, जब इसमें टोटल काउंट करोगे देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, जब टोटल आपका 20 है तो जो यदि वैल्यू रिपीट होंगी तो वो इसके फैक्टर में रिपीट होती है, जैसे 5 और 4 इसका फैक्टर है, भाई 5 5 के 4 पेयर बना दूं या 4 4 के मैं 5 पेयर बना दूं। यहाँ पे आप देखोगे अब मुझे इनमें से कोई पेयर बनाना है, जब मैंने पहले पे ए और सी देखा तो ए कितने के बाद रिपीट है, 1 2 3 4 5, यानी पांचवा है आपका ये। देखो तो ए से पहले यानी जितने पे भी दो संख्या रिपीट हो तो उतने का ही पेयर आप एक बार बना के देखो क्या ये सही बन रहा है। देखो यहाँ से यदि मैं यहाँ गया तो 1 2 3 4 5, फिर ए सी से स्टार्ट हो गया 2 2 4 और 1 5, फिर मैं गया 2 2 4 और 1 2 4 और 1 5, फिर मैं गया 2 2 4 और 1 5, यानी 5 5 के पेयर मैंने बना दिए। अब मैं क्या करूंगा, जहां जो वैल्यू रख रखी है उसको रखूंगा, जैसे ए है, ए के बाद सी है, ए के बाद सी है, तो यहाँ भी ए के बाद सी रख दूंगा, यहाँ सी से पहले ए रख दूंगा, यहाँ गया। अब ए सी डी, ए सी डी, तो यहाँ भी ए सी डी रख दूंगा, यहाँ पे भी ए सी डी रख दूंगा। अब ए सी डी के बाद बी है, ए सी डी के बाद बी है, तो ए सी डी के बाद बी है और बी के बाद में आपका ए है, तो यानी ए सी डी बी ए, ए सी डी बी ए, ए सी डी बी ए, ए सी डी बी ए और ए सी डी बी ए, तो यानी जो वैल्यू आपकी अभी फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी 5 5 के मेयर पेयर बन गए। और तो ये वैल्यू ढूंढ लो कहाँ है, देखो डी ए डी बी, डी ए डी बी ए की ऑप्शन आपका ऑप्शन सी, जो कि आपका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको उस पेयर का चयन करना है जिसमें वही रिलेशन है जो अपना इस पेयर में है, 13 6 और 133। अब 133 एक ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो मैं कह सकूं कि ये हर चीज का मल्टीपल होगा, यानी हर वैल्यू का आपका मल्टीपल होगा, ये सिलेक्टेड वैल्यू का ही मल्टीपल है। जैसे मैं बात करूं 19 का मल्टीपल है, 19 7 133 होता है, और मुझे 13 और 6 भी दिख रहे हैं, तो यानी देखो 19 बनाने के लिए मैं इनको ऐड करूंगा, उसके बाद इसको गुणा कर रखिए 7 से। अब ये 7 देखो क्या हो सकता है, ये 7 ये भी हो सकता है कि 13 - 6 7 हो, या फिर ये 7 आपकी कोई रैंडम संख्या भी हो सकती है। जब ये रैंडम संख्या होगी तो ये 7 से ही मल्टीप्लाई होगा हर पेयर, यदि ये इनका डिफरेंस है तो डिफरेंस वैल्यू वैल्यू आंसर देगी। यहाँ पे देखो यानी इन दोनों का जोड़ करके मुझे किसी से गुणा करनी है, देखो पहले तो यहाँ में इन दोनों का जोड़ करके गुणा करूंगा तो 8 ऑब्वियसली छोटा है, इनका जोड़ करके गुणा करूंगा मैं किसी से, देखो 9 और 4 13 13 97 आ सकता है, मेरा आ रहा है बीच वाली वैल्यू। यानी यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि जो 7 है ये आपकी इनका डिफरेंस नहीं है, कुछ एक रैंडम संख्या है जो कि 7 को वहां से भी गुणा किया था और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। यदि ये 7 इनका डिफरेंस होता तो 9 और 4 को मैं जोड़ करता, 13 को 5 से गुणा करता, क्योंकि 9 और 4 का डिफरेंस आपका 5 है। देखो इसमें क्या आगे भी ये लग रहा है, यहाँ पे वैसे नहीं लगेगा, इसमें देखो 11 और 2 13, 13 को मैं 7 से गुणा करूंगा वही 122 नहीं देगा मुझे, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही आपका ऑप्शन है जो सेम रिलेशन शेयर कर रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट, किसी एग्जाम में ये कह रहा 49% उम्मीदवार अंग्रेजी में फेल हुए, 36% हिंदी में फेल हुए और 15% दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि कह रहा है यदि अकेले अंग्रेजी में उत्तीर्ण या फिर जो पास है वो 630 है, यानी आपको वेन डायग्राम की हेल्प से ये क्वेश्चन बताना है। देखो और ये कह रहा है अंग्रेजी में उत्तीर्ण ओनली इंग्लिश में पास, जब दो ही सब्जेक्ट है मेरे पास, देखो एक तो इंग्लिश है एक हिंदी है, ये कह रहा है ओनली इंग्लिश में पास, तो कोई विद्यार्थी है वो केवल इंग्लिश में पास होगा, इसका मतलब क्या है वो हिंदी में फेल है। यानी यदि मैं ये निकाल लूं कि मेरे हिंदी में फेल कितने हैं, केवल हिंदी में फेल,
तो मेरा आंसर आ जाएगा, मैं उसको इक्वेट कर लूंगा 630 के बराबर। देखो ये आपका सब्जेक्ट इंग्लिश मान लो, ये आपका हिंदी मान लो। अब कह रहा है 49% अंग्रेजी में फेल हुए, तो यहाँ पे इंग्लिश में फेल होने वाले हैं 49%। तो जो ये 49% का एरिया होगा ये मेरा ये सारा होगा। उसके बाद 36% हिंदी में है, यानी जो ये टोटल एरिया ये मेरा 36% है। उसके बाद कह रहा है 15% दोनों में फेल है, यानी 15% ये है। अब मुझे चाहिए क्या इक्वेट करने के लिए, अकेले अंग्रेजी में पास, यानी अकेले अंग्रेजी में पास का मतलब है अकेले हिंदी में फेल। तो मुझे अकेले हिंदी में फेल चाहिए कितने होंगे, देखो ये सारे हैं मेरे हिंदी में फेल। अब अकेले हिंदी में फेल की बात करेगा तो ये वाला रीजन होगा, यानी मैं इस सारे गोले में से ये जो कॉमन है ये घटा दूं तो मुझे ये रीजन मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 36 में से 15 घटा दूंगा, ये बच गया 21, यानी 21% मेरा रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ इस रीजन को। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 630, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, और 100 जब परसेंटेज की बात करेगा तो टोटल 100 होता है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3000। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहे हैं 28 फेब 2004 को, मेरा सैटरडे है, तो कह रहा है 5 जनवरी 2032 को क्या होगा। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड अपने पास। पहला मेथड है कोड का यूज करके यहाँ पे डे निकालो, उसके बाद यदि वो सैटरडे ही आता है तो कोड का यूज करके 5 जन 2032 को निकालो, वो आंसर होगा। यदि अपने आंसर से ये अलग आ रहा है तो अपने आंसर को ये बनाने के लिए मुझे कितना ऐड या माइनस करना पड़ा है, वो उतना ही ऐड या माइनस अपना जो यहाँ पे सही आंसर आया है उसमें कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है, देखो ईयर को अलग से कंसीडर करना है और मंथ को अलग से। ईयर में देखोगे 4 से 32, पहले इनका डिफरेंस लो, वो हो गया 28 का, यानी 28 साल का तो डिफरेंस है ही है। तो 28 साल में आपके ओड डेज विषम दिन आपको निकालने हैं, कि मैं जब छोटी डेट से बड़ी डेट पे चलूंगा, यानी देखो मैं जब 2004 से 5 जनवरी 2032 चलूंगा तो मेरे ओड डेज कितने आएंगे। यदि ओड डेज मेरे 7 या 7 का मल्टीपल है तो यानी जो पहला दिन और आखिरी दिन सेम है। यदि मेरे संख्याएं वेरी हो रही हैं, कुछ प्लस में आ रहा कुछ माइनस में आ रहा, तो उतना ही मैं आपका प्लस माइनस ऊपर से कर दूंगा। देखो यहाँ पे 28 आ गया, अब 28 में मुझे लीप ईयर देखने हैं कितने होंगे इनके बीच में। जब आप यहाँ पे देखोगे तो लीप ईयर देखने के लिए हमेशा छोटे ईयर का मंथ चेक करना अपने को, जैसे फेब की 28 तारीख है तो मैं अब 28 फेब 2004 से आगे चलूंगा तो मेरी 29 फेब आएगी। तो 29 फेब जिस भी ईयर में आपकी आ जाए वो एक लीप ईयर काउंट होगा, और इसमें जो ओड डेज है आपके वो आपके नॉर्मल ईयर में आपके कितने होंगे वो एक होगा, और जो आपका लीप ईयर उसमें 2 होंगे, यानी एक एक्स्ट्रा लीप आपका ओड डेज होगा। देखो अब जो आपके लीप ईयर है, यानी एक एक तो सब में होंगे 28 सालों में, अब लीप ईयर किस किस में होंगे, देखो 2004 में होगा, उसके बाद 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब ये देखो, अब मैं आ गया 2032 में, यानी मुझे 2032 की 5 जनवरी तक ही जाना है। तो यानी 29 फेब जब भी आए वही मेरा लीप ईयर मेरे को लेना है, जब मेरे 29 फेब आ रही हो। अब इसमें 2032 वैसे तो लीप ईयर है लेकिन 29 फेब तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, तो 2028 तक ही होगा। तो यानी एक एक और डेज एक्स्ट्रा किसमें ऐड होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 28 और 7, यहाँ पर हो गया 35। अब 35 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे ओड डेज आएंगे 0, यानी यहाँ से यहाँ मैं जाऊँगा तो मेरा कोई भी ओड डेज नहीं आया, यानी 0 है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल छोटे मंथ से, यानी जो आपका स्मॉल मंथ है, यानी जो छोटा मंथ है आपका, उससे मुझे बड़े महीने पे जाना है। और जब छोटे महीने से बड़े महीने पे जाएंगे तो ध्यान रखना कि आपका, मान लो ये तो फेब दे रखी है, कई बार आपको क्या होगा मार्च भी होगा, तो उस केस में भी आपकी जो फेब है वो आपको हमेशा 28 दिन की ही लेनी है, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉन लीप हो, क्योंकि अपन जो लीप का एक दिन एक्स्ट्रा है वो वहां पे काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चलोगे, मुझे जनवरी और फेब में जाना है, देखो फेब के आपके 28 दिन है तो टोटल ओड डेज हो जाएंगे 0, क्योंकि फेब में 28 दिन है, मैं 28 जोड़ू या फिर आपका 0 जोड़ू बात बराबर है, जाना यहाँ पे छोटे मंथ से बड़े मंथ पे है। देखो उसके बाद क्या करना है, फेब के हो गए 0, जनवरी के कह रहा है 5 दिन है। अब 5 दिन जनवरी के दे रखे हैं, कितने दिन बाकी हैं, टोटल 31 होते हैं, 31 में से आप 5 घटा दो, देखो 31 में से मैं 5 घटाऊंगा तो आपके दिन बच गए 26, यानी 26 दिन आपके जनवरी के बाकी हैं। और 26 लो या फिर 26 को 7 से डिवाइड कर दो, यानी 5 दिन बच जाएंगे आपके, देखो 7 या 21, 5 बच गया। अब ये 5 अपने को क्या देखना है, कि ये प्लस का 5 बचेगा या माइनस का, प्लस और माइनस क्या डिफाइन करेंगे अपने। देखो जब भी मैं छोटे मंथ से बड़े मंथ पे जा रहा हूँ, यदि मुझे दे रखी है वैल्यू, जैसे मैं आज से मान लो कल पे जा रहा हूँ, तो मैं आज से कल में कुछ ऐड करके जाऊंगा,
आज से मान लो 3 दिन के बाद जाना है, तो आज भी जो भी डे होगा उसमें मैं 3 दिन ऐड करूंगा, और जब मुझे पहले ही दे रखा है कि 3 दिन के बाद ये है आज पे आना, तो मैं माइनस करके आऊंगा। यहाँ देखो जो आपको डे दे रखा है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ आपकी 5 जनवरी से 28 फेब पे, यानी मैं जा रहा हूँ छोटे मंथ से बड़े मंथ पे, यानी छोटी तारीख से बड़ी तारीख पे। और यहाँ पे आप देखोगे जो आपको वैल्यू दे रखी है वो आगे वाली यानी फ्यूचर की डेट की दे रखी है। तो फ्यूचर की डेट मैं ओड डेज निकाले हैं मैंने छोटी तारीख से बड़ी तारीख के, और दे रखी है आपको डेट जो फ्यूचर की दे रखी है। तो फ्यूचर की डेट से मुझे, मैं गया तो यहाँ से वहां हूँ, अब मुझे आंसर वहां वाला दे रखा, तो यहाँ पे आने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का आप 5, तो सैटरडे -5 कर दो, या फिर प्लस का 2, आपकी बात बराबर है, तो सैटरडे +2 यानी आपका आ जाएगा मंडे, और ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है। दूसरा देखो, दूसरा डायरेक्ट जब भी एग्जाम में अपन यदि रिस्क लेना हो कभी भी, तो रिस्क कैसे ले सकते हैं, देखो डायरेक्ट इसका कोड निकाल दो, 80% सही होगा, 20% हो सकता है एसएससी वालों ने इसका कोड चेंज कर रखा हो। जैसे 5 जनवरी 2032 का डायरेक्ट निकालो, क्या डे है, ये भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देखो इसमें क्या करो, 2000 तक आपका कोड होता है 0, उसके बाद कंप्लीट ईयर है 31, 31 में लीप ईयर देखो आपके कितने होंगे 2000 के बाद, यानी देखो वो हो जाएंगे 2028 तक, यानी हो जाएंगे 7, देखो 4 से लेकर 28 तक, उसके बाद 31 और 7, उसके बाद ये वाला आपका जो कंप्लीट हुआ है 31 और 7 वाला कंप्लीट हुआ है, यानी 31 देखो 2000 तक ये हो गया, अब कंप्लीट ईयर 31 है, 31 में ओड डेज एक एक तो सब में रहेगा, और ये 7 आपके रहेंगे लीप ईयर में जहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा रहेगा, तो 38 हो गए। यानी यहाँ तक अपना हिसाब हो चुका है 2031 के दिसंबर तक, अब जनवरी के 5 दिन और हैं, तो ये और ऐड कर दो इसमें, तो टोटल आ गया 31 और 7 38, 38 और 5 43, और इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, 7 6 42 1, और 1 अपना ओड डे जब बचता है तो अपना कौन सा दिन आता है मंडे, 2 बचेगा तो ट्यूसडे, 3 बचेगा तो वेडनेसडे, यानी यहाँ से भी मंडे आ रहा है, तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है विमला है अपने घर से चलना स्टार्ट करती है और 30 मीटर चलती है नॉर्थ की तरफ। देखो यहाँ पे विमला का घर है, यहाँ से 30 मीटर नॉर्थ गई यानी उत्तर की तरफ गई, उसके बाद अपने राइट में मुड़ी है और 40 मीटर गई है, यहाँ से राइट में मुड़ी है 40 मीटर गई है, उसके बाद अपने लेफ्ट में मुड़ी है और 35 मीटर गई है, यहाँ से लेफ्ट में मुड़ी है 35 मीटर, उसके बाद क्या कह रहा है फिर राइट मुड़ी है और 40 मीटर गई है, यानी यहाँ से फिर राइट मुड़ी और 40 मीटर गई, उसके बाद फ्रॉम देयर सी टर्न्स राइट और वॉक 85 मीटर। या देखो जब वो 85 और राइट में मुड़ के यानी नीचे चलेगी, तो 35 ये है 30 ये है 65, यानी इसके कंपैरिजन में देखो इसके पैरेलल में जो लाइन है यहाँ तक 65 दूरी बनती है, यानी 20 और नीचे गई होगी, तो यहाँ की दूरी 20 है, यहाँ की दूरी 65 है, तो ये 85 गई है। अब देखो वो पहुँच गई यहाँ पे, यानी टोटल ये 85 के बाद कहाँ गई है, उसके बाद अपने राइट में मुड़ी है और 50 मीटर गई है। देखो यहाँ से राइट में मुड़ी है, यहाँ से राइट उस साइड मुड़ेगी, अब 50 मीटर ध्यान रखना जो ये वाला पॉइंट आपका नीचे ये 40 तक है, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, पैरेलल लाइन के बीच में बराबर दूरी होती है, अब 40 गई है तो 10 मीटर और गई है, यानी देखो यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर है, अब क्या हुआ है यहाँ से यहाँ की दूरी 30 मीटर। अब लास्ट में क्या किया है, उसके बाद फाइनली अपने राइट में फिर मुड़ी और 20 मीटर गई है, यहाँ से राइट मुड़ेगी ऊपर जाएगी और 20 मीटर जाएगी, देखो ये दूरी भी 20 मीटर है ये भी 20 मीटर है, यानी यहाँ पे अपने स्टार्टिंग बिंदु के जस्ट पैरेलल में पहुँच गया वो, और कितना दूर है देखो यदि मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ 40 मीटर है, यहाँ से यहाँ भी 40 मीटर होगा, लेकिन 10 मीटर ये पहले यहाँ चल चुकी थी, तो ये जो दूरी है वो मेरी 30 मीटर ही रहेगी, तो वो अपने घर से 30 मीटर और किस दिशा में है, अपने पूर्व में यानी ईस्ट में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करो जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि गिवन सेट में है, यानी देखो 2 3 5 9 1 8, यहाँ पे देखो आपकी संख्याएं कैसे संबंधित है, जब आपने 2 3 देखा और यहाँ पे 5 आपको दिख रहा है, तो 2 और 3 का जोड़ क्या होता है 5, और 1 और 8 का जोड़ क्या होता है 9, यानी इनका सम करके डायरेक्ट लिख रखा है। यदि ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है तो जो आपका आंसर होगा उसमें भी ये लॉजिक लगेगा। देखो पहले में देखेंगे अपन 7 और 1 8, 2 और 1 3 लग गया, आगे देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10 नहीं लग रहा, फिर 4 और 3 7 नहीं होता, उसके बाद 9 का 9 लिखो लेकिन 4 और 2 6 नहीं होता, तो ये लॉजिक आपका यदि कोई भी लॉजिक हो, कोई भी लॉजिक यदि आपका क्वेश्चन में लग रहा है और ऑप्शन में लग रहा है तो वही आपका आंसर होता है। नेक्स्ट है, यार 4 नंबर है आपके वो एक जैसे हैं, अब जो अलग है वो आपको बताना है। देखो 4 बड़ी बड़ी संख्याएं हैं 132 17 523 31 64 और 26 95,
यहाँ पे मुझे जान पहचान की ये दिख रही है। देखो संख्याएं आपकी सम भी हैं विषम भी हैं, तो अपन ये भी नहीं मान सकते भाई प्राइम हो सकती हैं, या फिर किसी का स्क्वेयर भी आपको नहीं दिख रहा है भाई, बाकी स्क्वेयर है एक नहीं है, बाकी क्यूब है एक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, ये ढूंढो कि तीन संख्याएं किसी संख्या का मल्टीपल है और चौथी नहीं है, तो वही आपका आंसर होता है। जैसे 132 है, 132 आप ध्यान दोगे तो माइंड में सबसे पहले ये आएगा कि आपका 11 का मल्टीपल है, यानी मैं 11 को किससे गुणा करूं, 12 से गुणा करूंगा तो मुझे 132 आएगा, तो 11 का मल्टीपल ही है। तो मैं एक बार चेक कर सकता हूं कि क्या 11 का मल्टीपल कोई और संख्या भी है, अगर है तो तीन संख्याएं 11 का मल्टीपल बनेंगी, नहीं है तो मैं कोई और लॉजिक सोचूंगा। तो मैं फिर ये सोच सकता हूँ, देखो ये दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट भी है, तो हो सकता है ये दो लगातार संख्याओं के प्रोडक्ट हो। जैसे यहाँ पे अपन बात करें 11 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, इनका सम करेंगे, यानी जो आपके ऑड प्लेसेस या फिर विषम स्थानों पे जो संख्याएं हैं और जो सम स्थानों पे जो संख्याएं हैं या फिर इवन प्लेसेस पे जो संख्याएं हैं उनका सम का डिफरेंस आपका 0, 11 या 11 का मल्टीपल होगा। देखो यहाँ से देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, और 7 और 2 9, यानी ये 11 का मल्टीपल है ये भी। आगे चलो देखो 4 और 1 5, 6 और 3 9, तो 9 में से पहुंच गया 4, ये नहीं है। यानी देखो 11 से मल्टीपल कब होगा, जब मैं ऑड प्लेसेज और इवन प्लेसेज पे जो उनका सम करके डिफरेंस लूंगा वो 0, 11 या 11 का मल्टीपल मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो 9 और 6, सॉरी 6 और 5 11, 9 और 2 11, यानी ये भी आपका मल्टीपल है। तो तीन संख्याएं 11 के मल्टीपल हैं, एक संख्या नहीं है, तो जो तीन में लॉजिक लग रहा है एक में नहीं लग रहा है वही आपका अलग है। नेक्स्ट ये कह रहा है किसी भी कोड लैंग्वेज में लॉजिक टैग को लिखा जाता है, इसको लिख रहा है ये CFCEBAYD। देखो अब सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो, प्लेस वैल्यू लिखोगे तो आईडिया आएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। एल की प्लेस वैल्यू 12 है, ओ की 15 है, जी की 7 है, आई की 9 है, टी की 20 है, ये 3 है आपका, और ये सी है 3, और एच 8 है। यहाँ पे लिखोगे 3 6, उसके बाद 3 5 2 1, 25 और 4। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे 12 है, अब 12 की जगह 3 लिख रहा है, तो यानी हो सकता है इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ रहा हो, जैसे 1 प्लस 2 3। आगे देखो 15 है, 1 प्लस 5 6, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 7 की जगह 3 लिख रखा है और 9 की जगह 5 लिख रखा है, यानी 7 की जगह 3 कैसे लिखेगा, 4 माइनस करके, यहाँ भी 4 माइनस करके। आगे क्या हो रहा है, देखो 2 प्लस 0 2 लिख रखा है, यहाँ से फिर सॉरी E5 3 लिख दिया, की प्लेस वैल्यू होगी 5। अब 5 से मैं 1 जा रहा हूं तो यहां भी 4 माइनस हो रहा है, फिर 3 से मैं y पे जा रहा हूं यहां भी 4 हो रहा है, और मैं 8 से 4 पे जा रहा हूं यहां भी 4 हो रहा है। यानी आपका क्या हो रखा है, यहां पे तो सम लिख रहा है और कहीं पे आपका 4 माइनस कर रहा है, तो अपने को वो डिटेक्ट करना है कहां क्या हो रहा है। देखो यदि आप ध्यान से देखोगे तो जिस भी आपका अल्फाबेट है, जिस अल्फाबेट में आपकी दो प्लेस वैल्यू है, यानी जैसे 12 है, 12 में आपके दो नंबर आएंगे, यानी जिस भी प्लेस वैल्यू में आपके दो संख्याएं हैं उनका तो वो सम लिख रहा है, और जिसकी प्लेस वैल्यू में यानी 1 से लेकर 9 तक जो भी आपके अल्फाबेट आते हैं उनमें से 4 माइनस कर रहा है, और उसके बाद 9 के बाद जो भी हैं यानी 10 11 12 उनका प्लेस वैल्यू का सम कर रहा है। तो आप डायरेक्ट उसमें आओ जो पूछ रखा है आपसे, तो ये पूछ रखा है इंफॉर्मेशन। प्लेस वैल्यू रखो इसकी, देखो आई की 9, एन 14, एफ 6, वो 15 18 13 1 20 9 15 और 14। देखो यदि ये लॉजिक लग रहा है तो ये अपने को सही आंसर देगा। देखो 9 है, 9 में से 4 घटा दो 5, और 5 की जो आपका जो प्लेस वैल्यू उस पे आता है ई, उसके बाद ये डबल डिजिट है, डबल डिजिट का सम कर दो 4 और 1 5, 5 पे भी आता है ई। फिर देखो ये सिंगल डिजिट है 6, 6 में से 4 घटा दो 2, 2 पे आता है बी। फिर 5 और 1 6, 6 पे आपका आता है एफ। 8 और 1 9, 9 पे आता है आई। 3 और 1 4, 4 पे आता है डी। अब यदि ये लॉजिक है तो ये मुझे आंसर देगा, तो ऑप्शन में एक बार चेक करो ई ई बी एफ आई डी कहाँ है, ये आपका है ई ई बी एफ आई डी, ई ई बी एफ आई डी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी, ई ई बी एफ आई डी। आगे आप चेक करोगे तो यही आपका आंसर मिलेगा, तो यानी इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये थी रीजनिंग। अब आपका मैच स्टार्ट हो रहा है, देखो मैच में क्या कह रहा है, एक किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम तथा सी से 2 दिन अधिक का समय लेता है। अब सी उसी काम को करने में जितना समय लेता है उतने समय में ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं, यानी जो सी का टाइम है वो आपका ए और बी के टाइम के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखो तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी। अब ये कह रहा है यदि इनके टाइम की रेशो, कह रहा है सी जितना टाइम ले रहा है ए और बी उतना ही टाइम ले रहे हैं,
यदि सी मेरा एक्स डेज ले रहा है तो ये भी एक्स डे लेंगे दोनों मिलकर। ये यही कह रहा है कि ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम, सी से 2 दिन अधिक का समय लेता है, सी उसी काम को करने में जितने समय में पूरा करता है उतने समय में ए और बी साथ मिलकर। यदि ये एक्स डे में कर रहा है तो ये दोनों मिलकर भी एक्स डे में ही करेंगे। आगे देखो क्या कह रहा है। अब यहां से देखो, ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम और सी से 2 दिन अधिक लेता है। यदि सी मेरा एक्स डे में कर रहा है तो ए मेरा एक्स प्लस 2 दिन में कर रहा है, और ये जो ए है वो 20 से 6 दिन कम में कर रहा है, यानी बी इससे 6 दिन और ज्यादा ले रहा है, तो ये x प्लस 8 दिन में करेगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि a और b मिलकर किसी काम को कुछ दिन में करते हैं, a उससे x प्लस k दिन एक्स्ट्रा कम में करता है और b उससे x प्लस n दिन एक्स्ट्रा में करता है, तो जो x की वैल्यू होती है वो होती है रूट ऑफ 2 इंटू 8। जैसे ये एक्स डे में करेगा, ये एक्स प्लस 2 डे में कर रहा है, ये एक्स प्लस 8 डे में कर रहा है, तो जो भी एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी, एक्स कितने दिनों में करेगा वो होगी अंडर रूट, ये इससे कितने ज्यादा दिन ले रहा है, ये इससे कितने ज्यादा दिन ले रहा है, तो ये इससे देखो 2 दिन ज्यादा ले रहा है, ये इससे 8, तो 2 और 8 का अंडर रूट, यानी ये आ गया आपका 4, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 4। अब ये दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे थे, ए कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, अब 4 जोड़ दो 12 दिन में, और यही मुझे पूछा था बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक सर्कल है त्रिभुज एबीसी में आपका इंस्क्राइब्ड है, यानी इस टाइप का कुछ डायग्राम है, ये त्रिभुज एबीसी है जिसकी साइड है 8, 10 और 12 सेंटीमीटर है। देखो साइड एबीसी है तो ये 8 मान लो, ये 10 मान लो और ये 12 मान लो। अब क्या कह रहा है, सर्कल टच कर रहा है ए बी बी सी और सी ए को, यानी यहाँ पे डी पे टच कर रहा है, यहाँ पे ई पे टच कर रहा है और यहाँ एफ पे टच कर रहा है। अब आपको कह रहा है देखो, तो भुजाएं दे रखी हैं, अब आपको क्या कह रहा है, तब ए डी का मान क्या होगा, यानी ए डी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो ए कहाँ है, यहाँ है, डी यहाँ है। देखो आपको एक सर्कल की प्रॉपर्टी पता होगी कि किसी भी एक पॉइंट से दो वृत्त में मैं दो टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखाएं खींचूंगा, उनकी लंबाई हमेशा बराबर होगी। देखो यहाँ से मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची, ये वाली और ये वाली, ये यदि x है तो ये भी x होगी, ये यदि y है तो ये भी y होगी। अब इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये यदि z है तो ये भी z होगी। अब आप देखोगे ये जो साइड है वो x प्लस y से मिलकर बनी है, ये साइड y प्लस z से, ये मिलकर x प्लस z से। यदि मैं सबको जोड़ूंगा तो x दो बार है, y दो बार है, z दो बार है, यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड, और वो इक्वल होगा इन इन साइड के सम के, तो 12, 8, 20 और 10, 30, तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड मेरा आ गया 15। अब मुझे क्या चाहिए, देखो AD की वैल्यू, यानी मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं y प्लस जेड की वैल्यू घटा दूंगा, और y प्लस जेड मेरा कहाँ किस साइड में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। देखो y ये है, जेड ये है, टोटल 10 है, तो यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहे हैं, किसी मंथ में ए 1% कमीशन कमाता है पहली सेल 1000 पे, और फर्दर 20% कमाता है, यानी 1000 से ज्यादा हुई तो 20%, अगर दो मंथ में उसकी सेल 3000 हुई। देखो जब 1000 की सेल होती है तो इस पे 1% कमाता है, अब दो मंथ की बात कर रहा है, देखो दो मंथ में उसकी सेल 3000 और 4000 हुई, यानी जब 3000 की सेल होगी 1000 पे तो 1% कमाएगा, और 2000 पे वो 20% कमाएगा, और जो कमीशन आपको दे रखा है वो 900 आ रहा है। अब दूसरा केस कर रहे हैं, देखो 1000 पे तो आपका फिक्स्ड है 1% रहेगा, लेकिन जब वो अगले महीने 4000 कमाएगा तो 3000 जो एक्स्ट्रा बच गए उस पे भी 20% कमीशन कमाएगा, तो इस सिचुएशन में उसको 1300 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ से पूछा है ए और बी की वैल्यू क्या है, तो यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहाँ पे देखो ये ए सेम है, तो कोई भी इसकी वैल्यू यदि 900 से 1300 हुई है वो ए पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कि 1000 के बाद मेरा जितनी वैल्यू बढ़ी है। अब यहाँ पे देखोगे आप 2000 से 3000, यानी मेरी 1000 वैल्यू बढ़ी है, और 1000 पे 20% कमीशन लग के उसका जो प्रॉफिट था वो 900 से 1300 यानी 400 रुपए बढ़ गया। तो यानी सिर्फ अपने को इतना निकालना है कि 1000 का जो 20% है वो 400 है, तो बी कितना आएगा, यानी आपको पता होगा कि 1000 का कितने परसेंट 400 के बराबर होगा, ऑब्वियस बात है 40%, तो यानी बी की वैल्यू आ गई 40%। जब बी की वैल्यू 40% आ गई, देखो 2000 है, 2000 की सेल मान लो या 3000 की, आंसर दे देगा मेरी 2000 पे 20% कमीशन 40%, यानी 800 रुपए। देखो ये अकेला मेरा 800 रुपए का कमीशन दे रहा है 900 में से, यानी जो 100 रुपए है वो आपका ये दे रहा है। 1000 का 100 कितने परसेंट है, आप कहेंगे 10% है, तो जो ए है ए की वैल्यू 10% आ गई, और दोनों का सम आपसे पूछा था वो जाएगा 50%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको कह रहा है पॉपुलेशन दे रखी है, आपको पाई चार्ट है उसका आंसर करना है,
टोटल पॉपुलेशन है वो आपकी 48 लाख और 79 हज़ार है। अब आपको क्या करना है, रेशो पूछना है। देखो जब भी रेशो पूछेगा इसका कोई यूज नहीं है, इसको काट दो, ये यूज क्या नहीं है। देखो अब कह रहा है फॉलोइंग टेबल सेक्स वाइज पॉपुलेशन आपको दे रखी है, क्या कह रहा है, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट पी, यानी पी है पी में फीमेल ये वाला, टू द नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट एस, एस आपका कहाँ है ये वाला, इनकी रेशो पूछनी है। देखो ये जो टोटल पॉपुलेशन थी वो आपको इसमें परसेंटेज फॉर्म में डिवाइड कर रही है, मैं कह रहा हूँ उसकी जगह 100 रख दो तब भी तो सेम आंसर आएगा, 1 रख दो तब भी सेम आंसर आएगा उसको, लेकिन इस रेशो में तोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है। देखो स्टेट पी की बात करेगा, स्टेट पी आपका टोटल 6% है, यानी देखो कुछ भी वैल्यू हो, मैं फीमेल निकालना मैं मान रहा हूँ इसकी वैल्यू 6 ही है, ये आपका पी है और आपका स्टेट कौन सा पूछ रहा है, पी से एस, यानी एस की बात करूंगा मैं, एस का है मेरा, एस आपका 13%, यानी ये 13 है। देखो पी में टोटल 6 पॉपुलेशन है, इसमें 13 है और इसमें आपका मेल और फीमेल है। अब आपका देखो यदि मैं बात करूंगा पी, पी में मेल और फीमेल है, टोटल बन रहे हैं मेरे 9, उसमें से फीमेल है 5, यानी 5 यदि मैं टोटल 6 मान रहा हूँ, देखो टोटल कितना ही मानो उसका 5/9 मेरा क्या होगा, फीमेल होगा, तो 6 मान रहा हूँ तो 6 का 5/9 आपका फीमेल है और इसका अनुपात बताना है। यहाँ पे देखो ये एस की टोटल पॉपुलेशन में 13 मान रहा हूँ, 13 में जो आपकी फीमेल है वो आपकी ये भी सेम दे रखी है, तो यानी इसकी भी जरूरत नहीं थी अपने को, डायरेक्ट आंसर ही दे रखा है। देखो ये भी 5/9 है, ये भी 5/9 है, तो इन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही अपनी वैल्यू, कट के ये तो 1 देगी, तो डायरेक्ट आपकी जो स्टेट की रेशो है 6:13 वही आपको आंसर दे देगी, यानी 6:13, इसकी भी जरूरत नहीं थी आपको, यहाँ पे रेशो देखो क्या दे रखी है, या फिर करके देखेंगे यहाँ पे भी इंटू 5/9 यहाँ से आ जाएगा, इससे ये कट जाएगी तो 6:13 ही बचेगी, यानी जो वहां की रेशो है वही आपकी रेशो यहाँ रहेगी, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कोस्ट है 2 क्लॉक का वो 16:23 में। अब क्या कह रहा है, पहली क्लॉक का 10% बढ़ जाए, यहाँ पे 10% बढ़ जाए और दूसरी का 477 से बढ़ जाए, तो आपका नया कोस्ट है वो 11:20 हो जाएगा। देखो अब क्या कह रहा है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेकेंड क्लॉक, यानी इसकी आपको वैल्यू बतानी है एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे क्या करो, जब भी वैल्यू मेरी 10% बढ़ेगी तो या तो इसको 10% बढ़ा दो, या फिर 10% का आपको पता होगा 10% क्या होता है, 10 से 11, यानी कोई वैल्यू मेरी 10% बढ़ी है वो तो 10 से 11 हुई है। यहाँ पे मेरा 11 दे रखा है, यहाँ मुझे 10 बनाना है, यानी 16 को मैं 10 कैसे बना सकता हूँ, जब मैं 16 को डिवाइड कर दूँ 10/16 से, तो मेरा 16 16 करके 10 बन जाएगा, और ये दो चीज रेशो में है, तो यानी इसको 10 बनाने के लिए मुझे गुना करना पड़ेगा 10/16 से, तो इसको भी 10/16 से गुना करना पड़ेगा, 23 गुना 10/16। अब ये यहाँ पे कितना बच गया, ये 10 बच गया, ये 11 बच गया, ये सेटिस्फाई हो गया 10% बढ़ गई। तो जब ये रेशो में आपके प्रोपोर्शनेट वैल्यू बढ़ी है तो 477 से कितनी बढ़ी होगी वो अब इजिली निकल जाएगा मुझे, और सॉरी कुछ कंपेयर करना ही नहीं है, इसको 10 बना दिया, इसको 11, अब देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरी 230/16, 23 को 10/16 से गुना कर दिया और यहाँ पे वैल्यू है 20, यानी जो इनका डिफरेंस है वो 477 है, बस रख दो अब इक्वेट कर दो। देखो 20 में से मैं घटाऊंगा, यानी 20 में से 230/16 घटाऊंगा, तो 16 दूनी 32, यानी आ गया 320, 320 में से 230 घटा दो, ये बच गया 90, यानी 90/16। अब 90/16 की वैल्यू मुझे दे रखी है वो है मेरी 477, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/16, और मुझे वैल्यू निकालनी है स्टार्टिंग वाली वैल्यू, तो स्टार्टिंग वैल्यू वैल्यू मेरी कितनी है वो है 230/16, तो मुझे वैल्यू निकालनी है 230/16 की। देखो 16 से 16 कट गया, इससे ये गया और 9 पे काटेंगे, 9 5 45 9 3 27, यानी 53 × 23, ये मेरा आंसर है। देखो 53 को पहले तो गुणा कर दो 2 से, 53 2 106, 1060, और फिर 53 को गुणा कर दो 3 से, तो 3 3 9 और 5 3 15, तो यानी आ गया 9 9 5 6 11 2 1 1219, यानी आपका राइट आंसर है। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, देखो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये 11 है पहले इनको बराबर कर लो, इक्वेट कर लो दोनों को भाई यहाँ पे मैंने, या फिर एक्स वाई का यूज करके भी कर सकते हैं, यहाँ से 16:23 एक्स हो जाएगा, यहाँ 11 से इतना एक्स, वो इतना बड़ा है उसके बाद ये इतनी बड़ी है, रेशो ले लो, इसकी वैल्यू में इतना परसेंट बढ़ा देना, इसमें इतना जोड़ देना, और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 11/20, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा इसको आप इक्वल करके पहले इसको 11 से गुणा कर दो, इसको 10 से गुणा कर दो, फिर 10:11 में बनाना, फिर एक एक वैल्यू आप फिर वैल्यू बढ़ा दो, यानी इसको 10 से गुणा कर दो, इसको 11 से गुणा कर दो इक्वल करने के बाद, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये कह रहा है 1/4 की पावर 1 1/3 है प्लस 2 की पावर 1/3 + 1 इज इक्वल टू a × 4 की पावर 1/3 + b की पावर b × 2 की पावर 1/3 + c है,
तो आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। यदि आपको ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1/3 की जगह 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ए इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस सी। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू बताने, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, आपको यदि मैं ए को मानूं 2 की पावर 1/3, बी को मैं लूं 1, तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। यहाँ पे ए माइनस बी है आपका, देखो ए माइनस बी, यदि आप ए को ये ले रहा हूँ मैं, बी को ये ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ए माइनस बी की जरूरत है, और जबकि मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, ए स्क्वेयर बन रहा है, इसका स्क्वेयर करूंगा 2/3 प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ए बी की बात करूंगा मैं इंटू 1, ये रही रहेगा। यदि मुझे इसको उसकी फॉर्म में बनाना है तो इसको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा ए माइनस बी से, यानी 2 की 1/3 - 1 से गुणा और 2 की 1/3 - 1 से डिवाइड। अब आप नीचे देखोगे तो नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए क्यूब, ए की क्यूब करूंगा मैं 2 बच जाएगा और बी की क्यूब करूंगा 1, यानी नीचे मेरा 1 बच जाएगा। तो जब नीचे 1 बच गया और ऊपर मेरी वैल्यू बचगी 2 की 1/3 - 1, उसको इक्वेट कर दो इसके साथ। जब मैं इक्वेट करूंगा, देखो 2 की पावर 2/3 मेरी है ही नहीं, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर है 2 की पावर 1/3 यानी बी की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, और सी, सी की जगह आपका -1 है तो सी की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू 0, बी की 1, सी की -1, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी, देखो ये 1 है, ये आपका सी -1 है, और सॉरी ये 0 है, ये आपका +1 है और ये -1 है, तो +1 और -1 करूंगा तो मैं आंसर मेरा 0 ही आ जाएगा, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 10% पर एनम, वो हो रहे हैं 9,261 इन ए सर्टेन टाइम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अब बताना उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम पे सेम टाइम के लिए डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑफ रेट आपका डबल कर दे और कंपाउंडेड एनुअली कर ले। यहाँ पे सबसे पहले देखो 8,000 आपके 10% की रेट से 9,261 हो रहे हैं किसी टाइम में, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, जब हाफ ईयरली आपका रेट इंटरेस्ट लगेगा तो रेट भी आपका, देखो 10% पर एनम था यानी एक साल का 10% रेट लग रहा है, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है तो उसमें रेट आपका इसका आधा हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा 5%। तो अब अपने को ये बताना है कि जो 8,000 रुपये है वो 9,261 5% की रेट से कितने टाइम में होंगे। देखो यदि आप मैं बात करूं, यह जो आपका रेट है वो हाफ ईयरली है यानी 6 महीने का, तो देखो इसको निकालने के बहुत सारे मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 8,000 है डायरेक्ट रेट निकाल लो, पहले 6 मंथ का, फिर 6 मंथ का 6 मंथ का, या फिर यदि अपने को पता है कि जो ये 8,000 से 9,261 है ये आपके परफेक्ट क्यूब है, तो जो टाइम है मेरा यानी जो ये पैसा, यदि मेरा ईयरली रेट होता तो 3 साल में ये बनते, अब चूंकि मेरा रेट आपका 6-6 महीने है तो 6-6 महीने के 3 पेयर बनेंगे यानी 1.5 साल, यदि मुझे अंडरस्टैंडिंग है इसकी, अदरवाइज आप निकाल लो। देखो 8,000 है, रेट 5% है, तो 5% से ये 400 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, टोटल मुझे 1261 इंटरेस्ट चाहिए है, 8,000 से 9,261 हो रही है, देखो 400 का आपका 5% निकालोगे 20, फिर आपका आ जाएगा 40, यहाँ पे 800 का, फिर 20 का 5% आ जाएगा 1, आप देखोगे कि ये 1261 हो रहा है 6 महीने 6 महीने और 6 महीने यानी 1.5 ईयर में। अब आपको कह रहा है रेट डबल हो जाए सेम सम पे, 8,000 पे बताना है कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रेट आपका डबल है, देखो रेट पहले 10% पर एनम था, अब 20% पर एनम होगा और 1.5 साल के लिए निकालना है, तो यानी पहले साल की बात करूंगा, पहला साल पूरा है उस पर 20% रेट मिलेगा, दूसरा साल आपका आधा है 6 महीने ही है, तो 6 महीनों के लिए रेट आधा हो जाएगा, तो 8,000 का 20% यानी 1600 आ गया, 8,000 का 10% 800 आ गया, अब दूसरे साल का रेट 10 है, इस पर फिर ब्याज लगा दो दूसरे साल में, तो 1600 का 10% 160 यानी 2400 और 160 आपका आंसर आ जाएगा 2560, ये आंसर है। नेक्स्ट इसको आप रेट लेके भी कर सकते हो, डायरेक्ट रेट लेके वहां पे इक्वेट करो और आंसर निकालो। नेक्स्ट ये कह रहा है एक रेजिमेंट में ऑफिसर और सोल्जर्स, यानी ऑफिसर्स और सोल्जर हैं उनकी रेशो 4:43 है, उसके बाद 8 ऑफिसर मर गए आपके यानी ऑफिसर 8 कम हो गए और 7 सोल्जर ने ज्वाइन कर लिया यानी ये 7 बढ़ गए, उसके बाद जो रेशो आपकी 2:23 बन गई। कह रहा है अब नंबर ऑफ सोल्जर्स बताओ आफ्टर द बैटल कितने हो गए, यानी सोल्जर्स बैटल के बाद कितने हैं। देखो इसको रेशो है कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 23 चौके 92 और 43 दूनी 86, तो बड़े में से छोटा घटा दो 6, 6 की वैल्यू हो जाएगी, अब इनकी गुना करो, देखो
23 की गुणा करो, 8 के साथ, 2 की गुणा करो 7 के साथ, और यदि इनके बीच में निशान प्लस प्लस है तो बड़े में से छोटा घटा दो, माइनस माइनस है तो बड़े में से छोटा घटा दो, यदि एक प्लस है एक माइनस हो तो इनको ऐड कर दो। देखो 23 अट्ठा ये आपका 184 और 7 दूनी 14 यानी ये हो जाएंगे 198, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 33। अब ये कह रहा है कि आपके जो सोल्जर हैं वो कितने बचे हैं बैटल में, तो एक की वैल्यू 33 आ गई, स्टार्टिंग में देखो 4 और 43 थे, तो 43 की वैल्यू आपको निकालनी है और उसमें 7 ऐड करना है। हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट इसकी वैल्यू मत निकाल देना, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन रेशो में बात चल रही है और यहाँ पे जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ है वो आपकी वैल्यू में ऐड हुआ है ना कि रेशो में। तो स्टार्टिंग वाली इनिशियल निकाल के उसमें या तो ये पूछे तो 8 माइनस कर दो, ये वाला पूछे तो 7 प्लस कर दो, यानी 43 इंटू 33 प्लस 7 देखो कितना होगा, 43 को 33 से 33 यानी 99 आपका 9 और 33 चौका 132, 132 और 9 यानी 132 और 9 आपके हो गए 141, 1419 इसमें 7 और ऐड कर दो, ये हो जाएंगे 1426, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है देखो, ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से आप देखो क्या वैल्यू आएगी, कोस स्क्वायर थीटा मुझे दिख रहा है, इक्वेट कर लो, 3 कोट स्क्वेयर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वेयर थीटा, यहाँ से कोस स्क्वेयर को इस साइड लेके जाऊंगा, ये आपका 4 कोस स्क्वेयर थीटा, 3 कोट स्क्वेयर थीटा को लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वेयर थीटा बाई साइन स्क्वेयर थीटा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन उस साइड चला जाएगा, ये बच जाएगा 3/4 और मैं रूट लूंगा तो रूट 3/2 और साइन की वैल्यू रूट 3/2 होती है 60 डिग्री पे, यानी थीटा की वैल्यू 60 आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, 1/2 इंटू secant theta यानी secant 60, देखो secant 60 आपका होगा, secant 60 होता कितना है, secant 60 आपका cos का उल्टा होता है, cos 60 1/2 तो secant 60 आपका 2 हो गया, यानी यहां ब्रैकेट है 1/2 into 2 प्लस ये sin theta है, sin theta की आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी sin 60 जो कि आपका होता है √3/2 यानी √3/2। देखो अब यहां पे जो कट रहा उसको काट दो, यानी यहां से वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 + √3/2। अब इसका देखो जो आपको सिंबल है ये माइनस वन और दिख रहा है, इनवर्स यानी जो ये वैल्यू आई है इसको उल्टा कर दो, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2/2 + √3, यानी अब वैल्यू मुझे ऐसे नहीं दे रखी है, तो इसको रैशनलाइजेशन कर दो, इंटू 2 - √3 इंटू 2 - √3, यहाँ पे देखोगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 1 हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू बचेगी वो होगी 2 × 2 - √3 यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट ये कह रहा है एक ट्रेन स्टार्ट करती है दिल्ली से 8 बजे, 6 घंटे के बाद एक ब्रेकडाउन हो जाता है, देखो यहाँ दिल्ली है, यहाँ से स्टार्ट करी ट्रेन ने यहाँ पहुँच गई, ये 6 घंटे का टाइम लिया। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद ये 2/3 स्पीड से चलती है आगे और 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड एंड हैंस बिकम 40 मिनट लेट, और 40 मिनट लेट पहुँचती है, देखो यहाँ पे उसको पहुँचना था, यानी यहाँ पे वो 40 मिनट लेट पहुँच रही है। यदि आपको पता होगा स्पीड कितनी हो गई है, अब देखो ये बात करेंगे अपन पहले की, ये बात करेंगे अपन अब की, देखो स्पीड दूरी आपकी जब बराबर होती है तो स्पीड और टाइम आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट मतलब वेरी करते हैं। देखो पहले यदि स्पीड की बात करें, अब स्पीड क्या है 2:3 में हो गई है, यानी अब स्पीड 2 थी पहले 3 थी, तो जो टाइम की रेशो होगी वो इसका उल्टी होगी, यानी ये 3:2 है तो टाइम 2:3 हो जाएगा। पहले उसको पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे लगेंगे, पहले 2 मिनट लगते थे अब 3 मिनट लगेंगे, अब जो डिले होगी वो इनका डिफरेंस होगा, जैसे पहले 2 घंटे लगते थे अब 3 घंटे, डिफरेंस 1 घंटे का आ गया, पहले 2 मिनट लगते थे 3 मिनट लगते हैं, डिफरेंस 1 मिनट का आ गया। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अब वो 40 मिनट लेट पहुंचती है, तो आप पहले क्या करो, देखो अब 40 मिनट लेट का मतलब क्या है, टाइम अब वो पहले 2 लेती थी अब 3 ले रही है, यानी लेट कितना पहुंची है 1, 1 की वैल्यू 40 दे रखी है, 2 की वैल्यू क्या जाएगी 80, देखो ये मिनट में दे रखे तो ये मिनट में आएंगी, घंटे में दे रखे तो घंटे में, यानी वो 80 मिनट में पहले पहुंच जाती थी यहाँ से लेकर यहाँ पे। अब क्या कह रहा है वो, अगर जो ब्रेकडाउन हुआ है वो 200 किलोमीटर बाद होता है, यानी अब ट्रेन यहाँ यदि खराब होती, देखो यहाँ तक सही चलती, फिर आपका यहाँ पे खराब होगी, अब क्या कह रहा है, अब वो 30 मिनट ही लेट होती, यानी अब वो सिर्फ 30 मिनट ही लेट है। देखो स्पीड तो वही रहेगी भैया आपकी जब खराब हुई है, तो 2/3 स्पीड से चल रही है, यानी वहां पे देखो जो आपका एक की वैल्यू 40 थी, अब जो नया केस है तो यहाँ से यहाँ, यानी सही बात करेगा, देखो पहले वो क्या कह रहा है, जब मैं सही टाइम निकाल रहा था तो मेरा 80 मिनट में वो पूरे पहुंच रही थी, लेकिन अब
क्या कह रहा है, जब आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है तो देखो जो डिफरेंस है इनका, एक की वैल्यू 30 मिनट मुझे दे रखी है, तो 30 मिनट का मतलब क्या है, अब वो सही समय क्या है पहुंचने का, एक की वैल्यू 30 है तो दो की वैल्यू 60 मिनट, यानी वो यहां से यहां पहले यदि ठीक होती तो 80 मिनट में पहुंच जाती, अब एक्सीडेंट मेरा यहां पे हुआ है अब वो 60 मिनट में पहुंच रही है, यानी देखो यहां से यहां तक तो वो सही चल रही है दोनों केस में, और ये जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है, यानी वो अपनी सही स्पीड से तो जो ये 200 किलोमीटर की दूरी है वो तय करती है, देखो पहले 80 मिनट में तय कर रही थी इतनी सारी दूरी, अब ये 60 मिनट में ये वाली दूरी, यानी 20 मिनट में ये दूरी तय करती है, वो 20 मिनट में, बस आंसर आ गया, इतना ही अपने को देखना है। अब डायरेक्ट अपने को अगले अगली बार जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्या करना है, ये दो स्टेप ना बना के एक ही स्टेप सोल्व करना है, वो कैसे करेंगे, देखो जो आपका 30 मिनट लेट है और 40 मिनट लेट है इनका डिफरेंस ले लो, कितना बच गया 10, तो जो ये बीच वाली दूरी है ये 10 इससे आपको गुणा करना है किससे, जो मेरा टाइम सही था 2, तो इस टाइम में वो बीच वाली दूरी तय करेगी, देखो 200 किलोमीटर 20 मिनट में तय की, अब क्या करो, देखो 80 यहां से वो 80 मिनट में पहुंच रही थी, यानी अब क्या करो इसका एक्सीडेंट आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करवा दो, यानी इसका एक्सीडेंट करवाओ ही मत, ये 80 मिनट और इसको चला दो सही स्पीड से, जब अपना पता चल गया सही स्पीड से ये जो 200 किलोमीटर वो 20 मिनट में तय कर रही है, तो 80 मिनट की दूरी और उसकी यात्रा बची है कितनी देर में कर लेगी, तो 80 मिनट के लिए कितने किलोमीटर, 80 मिनट में और कितने किलोमीटर तय कर चुकी होगी, देखो ये इसका 4 गुना है, यहाँ पे 4 गुना कर दो, यानी आ गया 800 किलोमीटर, यानी यहां से यहाँ की दूरी आपकी 800 किलोमीटर है, अब मुझे यहाँ की दूरी बतानी है सही चाल से, देखो सही चाल से वो 200 की दूरी 20 मिनट में तय करती है, यानी 1 घंटे में कितनी तय करेगी, 1 घंटे में इसका 3 गुना होगा, तो इसका 3 गुना 600, 1 घंटे में वो 600 किलोमीटर जाती है, तो 6 घंटे में कितनी गई होगी स्टार्टिंग में 3600 किलोमीटर, तो 3600 ये आ गया, उसके बाद 800 ये आ गया, और 3600 और 800 आपके होते हैं 4400, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट करें, त्रिभुज एबीसी है, इसमें आपका एंगल बी 35 है, एंगल सी आपका 65 डिग्री है, और बाइसेक्टर यानी इसका जो बाइसेक्टर है वो आपका एक्स पर मिलता है, अब आपको बताना है अरेंज करना है ए बी सी एक्स और बी एक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो यदि इसका बाइसेक्टर मिल रहा है ये 35 का है ये 65 का है, तो टोटल आपके हो गए 5 और 10 6 3 और 1 10, यानी 100 हो गया, तीनों का जोड़ 180 होता है, तो ये 80 का बच गया, अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो दो बराबर भागों में तोड़ेगा, ये 40 का ये 40 का, अब देखो ये 40 का है ये 35 का, यानी 75 का हो गया, ये एंगल हो गया 105 का, जब इसमें बात करेंगे ये आपका 75 का हो जाएगा, देखो अब ये कह रहा है इक्वेट अपने को करना है ए बी को, यानी ये वाली साइड बी एक्स ये वाली साइड और सी एक्स ये वाली साइड, इन तीनों को इक्वेट करना, यदि आप देखोगे चेक कर पाओगे इसमें, देखो अपन को ये पता है कि जो ये मेरी ए एक्स है वो मेरी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो मैं ए एक्स के रेफरेंस में सबको चेक कर सकता हूँ, देखो ए एक्स के रेफरेंस में चेक करूंगा मैं तो मेरा ए एक्स है वो 35 डिग्री के सामने है, मेरी जो ये ए बी है वो 105 के सामने है, जो मेरी बी एक्स है वो 40 के सामने है, तो यानी सबसे बड़ी यदि इन तीन में बात करूंगा मैं साइड में मेरा ऑर्डर क्या होगा, देखो सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड, यानी मेरी ए बी है वो बड़ी हो जाएगी, अब एंगल क्या है मेरा 40 बड़ा है, 40 के सामने है बी एक्स, और ये बड़ा हो जाएगा मेरा किससे, ये हो जाएगा ए एक्स से, यानी ये इस ट्रायंगल में ये पैटर्न फॉलो होगा, और जब मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल की, देखो इसमें भी ए एक्स के रेफरेंस में ए एक्स मेरा 65 से 65 है, यानी 65 के सामने है, और सी एक्स मेरा 40 के सामने है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 40 के सामने होगा उससे बड़ी वो वैल्यू होगी जो बड़े एंगल के सामने होगी, ये वाली 65 के सामने है, यानी ए एक्स मेरा एक्सी से बड़ा है, देखो मेरा जो ए एक्स है वो एक्सी से बड़ा है, और ए एक्स से बड़ा बी एक्स, और बी एक्स से बड़ा ए बी है, यदि इनको अरेंज करना है तो ए बी बड़ा है बी एक्स से, बी एक्स बड़ा है ए एक्स से, और पूछा सी एक्स पूछा है, और सी एक्स या फिर सी एक्स ले लो यहाँ पे, तो ए बी बड़ा है बी एक्स से, बी एक्स बड़ा है सी एक्स से, तो अपना ऑप्शन देखो ए बी बी एक्स से, बी एक्स सी एक्स से, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरेज है हस्बैंड और वाइफ का 23 साल था देर उनकी शादी में, अब 5 साल बाद उनका 1 साल का बच्चा है, देखो जब शादी हुई थी उनकी, यानी जो शादी के टाइम थी उनकी जो एवरेज थी वो 23 थी, अब उनका बच्चा 1 साल का है, तो बच्चा कब पैदा हुआ होगा, 1 साल पहले पैदा हुआ होगा, और 5 साल के बाद की बात कर रहा है, यानी जब शादी के बाद उनकी एवरेज 23 थी तो 4 ईयर के बाद उनकी एवरेज क्या होगी, दोनों की 4 4 बड़ी है जोड़ दो 27, अब बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा यानी बच्चे की कोई एज नहीं है, बच्चा पैदा हो गया, अब जब बच्चा पैदा हुआ तो उनका औसत पूछ रही है, देखो उनकी एवरेज 27 थी, यदि मैं बात करूं 27 2 बंदों की थी
54 टोटल थी। अब बच्चा भी पैदा हो गया, जब बच्चा पैदा हुआ उसकी एज 0 है, लेकिन वो एक फैमिली का मेंबर है। अब उसकी एवरेज जब काउंट करेगी तो इनसे वो कुछ कुछ लेगा, यानी एवरेज को कम करेगा। तो इस सब उनको तीन बंदों में बांट दो, प्रत्येक केस में 18 18 जाएगा, और यही औसत है आपका। अब बच्चे के जन्म के समय औसत वायु क्या होगी, 18 होगी। नेक्स्ट है, दूध से भरे तीन बर्तन, उनकी कैपेसिटी दे रखी है, पानी मिला दिया जाता है, और दूध और पानी का अनुपात यानी मिल्क और वाटर का अनुपात है वो 5:2, 4:1 और 4:1 है। अब पहले से 1/3, फिर 1/2, फिर 1/7 निकाल कर नए बर्तन में रखा जाता है, तो नए बर्तन में पानी का प्रतिशत बताओ। देखो सबसे पहले दूध से भरे हुए तीन बर्तनों की कैपेसिटी ये दे रखी है, तो ये कैपेसिटी बनाने के लिए यदि इसमें 5 मेरा मिल्क है तो 2 वाटर है, टोटल ये 7 लीटर का मान लो, ये 5 लीटर का और ये 5 लीटर का। अब इनको यदि मुझे इस रेशो में बनाना है तो सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 7 से और इसको 7 से, ये मेरे इक्वल हो गए हैं, तो इसी रेशो में है तो रेशो मेंटेन कर, लेकिन उनको भी गुणा करना पड़ेगा। देखो इक्वल करने के बाद इनकी कैपेसिटी 3:2:1 है, यानी इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से, इसको 1 से गुणा कर दो। अब क्या करना है, अब कह रहा है पहले से 1/3 भाग लिया, तो पहले का 1/3 भाग ले लो, दूसरे का 1/2 ले लो, और तीसरे का 1/7 ले लो। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, यानी ऊपर बच गया आपका 5, यहाँ बच गया 7 और नीचे बच गया 1। अब इससे नेट रिजल्ट इसको गुणा कर दो। देखो मिल्क और वाटर आपका जो नई रेशो बन जाएंगी वो 5:25 और 5 × 10, उसके बाद 7 से गुणा करना है 28, 7 और फिर 1 से गुणा करना है 4:1। जब इसको जोड़ोगे ये 17 आ गया, और ये 8 और 5 13 और 4 17, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 57:17 आ गया। अब क्या पूछा है, नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत, यानी ये मिल्क है ये वाटर है, तो वाटर 17 है, किसमें से टोटल देखो कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, उसके बाद 5 और 6 और 1 7, यही हो गया 7 और 7 14, 5 और 1 6 और 1 7, यानी 74। तो पानी का प्रतिशत कितना होगा, तो इसको 100 से गुणा कर दो। एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, ये कुछ मिस्टेक हुई है। दूध से भरे तीन बर्तनों की धारिता 3:2:1 है, तो 3 में पानी, 5:2, 5:2 है, 4:1 है, 4:1 है। अब ये 7 हो गया, ये 5, ये 5, पहले से 1/3, यानी इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 7 से, फिर 7 से, फिर आपका 3:2:1 है, 3:2:1 से पहले से 1/3, फिर 1/2, फिर 1/7, तो 7 बच गया, 2 से 2 7, 3 से 3 5, 5 7 1, 5 5 25, 5 × 10, 7 से गुणा करो, 7 × 28, 7 × 7, 1 से गुणा करो, 4 और 1, तो अच्छा सॉरी ऐड करना है ये अपने को, ये 1 रह गया, 10 और 7 17 और 1 18, यानी यहाँ पे ही आएगा। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी होती रहती है। 10 और 7 17 और 1 18, 18 बटे, जब मैं इसको जोड़ूंगा 8 और 7 15, उसके बाद 5 और 1 6 और 1 7, 75 × 100, ये पर्ची निकालना है, 25 × 75, 25 × 100, 3 × 6 18 और 6 × 24, 24% आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है x की पावर b बाई x की c, b प्लस c, c प्लस a प्लस b, x a बटे x की b, a प्लस b माइनस c। अब ये किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये आपको सिमेट्री सी दिख रही है, b प्लस c माइनस a, c प्लस a माइनस b, a प्लस b माइनस c। और जो आपको ऑप्शन यदि आप ध्यान से रख देख पा रहे हो, x की पावर ए बी सी 1, x की पावर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, x की पावर ए प्लस बी प्लस सी, तो मैं कह रहा हूँ जब ऊपर ये सिमेट्री बन रही हो तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब x ए बी सी की वैल्यू में यदि देखो, यदि मैं 1 या फिर 0 रखता हूँ, ए बी सी की वैल्यू मैं 0 या 1 रखता हूँ, जब आप 1 रखोगे, देखो 1 रख दो सब में, 1 में यहाँ पे बी बच जाएगा, x की पावर यहाँ पे 1 रखोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी। यदि मैं 0 रख रहा हूँ तो सब की वैल्यू, देखो 0 रखूंगा तो ऊपर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, किसी की पावर 0 आपको 1 देगी, तो 1 1 1, तो यानी इसका आंसर यदि मैं 1 रख रहा हूँ तो ये आ रहा है, 0 रख रहा हूँ तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यदि मैंने x की वैल्यू 0 रखी है तो 0 0 यहाँ भी 1 आएगा, 0 0 यहाँ भी 1 आएगा, 0 0 यहाँ भी 1 आएगा। लेकिन जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, देखो जब मैं ABC की वैल्यू 1 रखूंगा तो आपका 1 रखेंगे तो 1 + 1 + 1 = 3, 1 + 1 + 1 = 3, और 1 की वैल्यू तो 1 ही देगा, यानी मैं 1 रखूंगा तो भी मेरे दो ऑप्शन आएंगे, तो इसलिए एक की बजाय आप 2 रख लो, अब आपके आंसर चेंज हो जाएंगे। देखो यदि मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 2 2, ए बी सी की वैल्यू ये रख दो, तो 2 × 4 4 × 8, यानी x की 8 बन गया, यहाँ पे 2 + 4 + 6 बन जाएगा, यहाँ पे 2 4
छः फिर बन रहा है, यानी वैल्यू फिर मैं नहीं रख सकता। या फिर किसी एक को जीरो बना लो, यानी सी को जीरो बना लो। करने के बहुत सारे तरीके हैं। या फिर जब आप बेसिक से जाओगे, देखो बेसिक से क्या करना है, बेसिक से ऐसे करना है, एक्स की पावर बी है, ये बी प्लस सी माइनस ए अपॉन, इसको लिख सकता हूँ मैं एस की पावर सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है दोनों। तो x की b के साथ ये ले लो और x की b यहाँ दे रखी है उसके साथ ये ले लो। तो यानी देखो इसमें तो ऊपर आ जाएगी ये चीज, उसमें नीचे आ जाएगी। तो जब एक में ऊपर आ रही है एक में नीचे है, बेस सेम है, तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो जब इसको नेट रिजल्ट आप निकालोगे तो ए बी सी पूरा कट जाएगा। तो यानी इस पे वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही है आपकी, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी लो। और जब ए बी सी पे वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, कुछ भी वैल्यू लो, कोई भी कुछ भी आंसर आ रहा है, तो वहां पे आपकी जब इंडिपेंडेंट वैल्यू है तो आंसर भी आपका एक इंडिपेंडेंट नंबर ही आएगा, जो कि आपका एबीसी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी इसका आंसर आएगा आपका एक। नेक्स्ट है, एक नंबर है 10 से डिवाइड करेंगे 9 बचेगा, 9 से डिवाइड करेंगे 8 बचेगा, 8 से डिवाइड करेंगे 7 बचेगा। देखो तो वो संख्या ज्ञात करनी है आपको क्या होगा, तो वो संख्या होगी इनका आप एलसीएम निकाल के, और देखो यहाँ पे 10 से 1 बच रहा है, 9 से 8 बच रहा है, 8 से 7 यानी 1 के कम बच रहा है, तो इनका एलसीएम निकाल के 1 माइनस कर दो। इनका जब मैं एलसीएम निकालूंगा 10, 9 और 8 का, यहाँ पे डायरेक्ट 10 ले लो, देखो ये 1 बच गया, ये 9 बच गया। अब 10 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो इसको डिवाइड करेगा 2, वो आपका आएगा 2, 4, यानी 9 चौका 36, दाएं 360। अब 360 इनका एलसीएम आ गया, 360 में से आप 1 माइनस कर दो, यानी 359 वो ऐसी संख्या है जो मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरा शेष भी है वो आपका 10 के केस में 9 बचेगा, 9 के केस में 8, 8 के केस में 7। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक कार में जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 30 डिग्री हो रहा है, टॉप 100 है, कुछ दूरी के बाद आपका जो एंगल है वो 60 हो जाता है। अब जो कार ने ट्रैवल की है वो दूरी बताओ। देखो कुछ ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ एंगल था, कार ट्रैवल करती है तो एंगल ये हो गया, यहाँ पे आपका 30 डिग्री था, ये कुछ दूरी तय की, अब एंगल 60 डिग्री हो गया, और अब कह रहा है डिस्टेंस ट्रैवल आपको ये निकालनी है कितनी होगी, और जो ये हाइट है टावर ये 100 मीटर है। देखो इसको करने के भी कई तरीके हैं। अब एक डायरेक्ट मेथड जो यहाँ पे होता है वो ये होता है, जो देखो जो इसकी हाइट होती है वो इसकी हाइट अपन डायरेक्ट निकालते हैं, वो क्या होगी इनके बीच की दूरी, मान लो डिस्टेंस। अब यहाँ पे एंगल 30 और 60 का होगा, उसके बाद यहाँ पे एंगल आपका 45 60 का होगा, उसके बाद एंगल यहाँ पे 15 और 30 का होगा। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी डबल एंगल हो, जहाँ पे भी डबल बन रहा हो, जैसे 15 30 30 60, तो दो कर दो बटे में, और जो भी जैसे यहाँ पे 60 आपको दिख रहा है तो जहाँ भी 60 आए, जैसे 30 और 60 हो, 45 60 हो, उसके बाद 60 किसी के साथ भी आए, तो वहाँ पे 60 के नाम का रूट 3 कर देना है। तो ये मेरा डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है, इसके चार पॉसिबिलिटी है, वो चार ही आपके एग्जाम में पूछता है, वो कभी अपन फिर बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये 60 है, ये रूट 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 30 है, 30 में ये 1 होता है, और ये सारा रूट 3 होता है। अब इसको इक्वेट करने के लिए इसको रूट 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, अब 3 में ये वो है तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू 100 है, 2 की वैल्यू निकालनी है, तो बात यही हो जाएगी। यहाँ पे देखो रूट 3 की वैल्यू 100 है, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 बटे रूट 3, और आपको वैल्यू निकालनी है 2 की, वो 2 हो जाएगी, यानी 2 इंटू यानी 200, देखो 200 बाय रूट 3, लेकिन आपको रूट 3 नीचे 3 दिख रहा है तो इसको रूट 3 से फिर मल्टीप्लाई कर रखिए, रैशनलाइजेशन कर रखिए, तो नीचे आपका 3 बन जाएगा, तो 200 बटे 3 इंटू रूट 3 आंसर। या फिर ये डायरेक्ट रिजल्ट यदि आपको ध्यान है तो सीधा आंसर निकालोगे। देखो यहाँ पे h हाइट मुझे 100 दे रखी है, 100 इंटू उस साइड जाके 2 हो जाएगा बटे रूट 3, बस मुझे डायरेक्ट रिजल्ट मैं यही लिखूंगा बिना मैं डायग्राम बनाए, तो इसको रैशनलाइजेशन करोगे फिर वही आंसर आ जाएगा। देखो ये 3 बन गया, अब यहाँ पे 200 रूट 3 बटे 3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका स्टडी करना है ग्राफ को और इक्वेशन देना, आंसर देना है। ये कह रहा है एवरेज प्रोडक्शन है बी का 14, 17 और 18 में। देखो 14 में बी, बी है अपनी वाइट वाली, 14 सॉरी 15 ये तो 14, 17 और 18, 14 में वाइट वाली 16 और 17, 17 में वाइट वाली 150 और 18 में वाइट वाली है 180। जब इनको जोड़ के मैं एवरेज लूँगा, देखो 60 और 180 मेरा 240 बन गए, 240 में मैं 150 जोड़ूंगा तो 390 बन जाएंगे। इसका जो एवरेज लूँगा मैं यानी आ जाएगा 130। अब ये कह रहे हैं वो 13.5 से 1/3% लेस है प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाई कंपनी ए इन द ईयर, यानी ए के किसी ईयर से ये 13 से 1/3% लेस है ये वैल्यू। अब 13 से 1/3 यानी 13 39 और 40/3 है बटे मैं 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 बटे 5 यानी 5 15
यानी ये ऊपर आपका बन जाएगा 2/15। यदि मैं इसको वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा बिन की फॉर्म में, देखो 15 2/15 का मतलब क्या है कि कोई वैल्यू 15 है उसका 13 से 1/3% 2 होगा। यानी यदि ये वो वैल्यू 15 है तो इससे 2 कम, यानी जो दूसरी वैल्यू है वो 13 होगी, और जो ये 13 है इसकी वैल्यू 130 दे रखी है, तो जो 15 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 150 हो जाएगी मेरी। अब यानी ए के किस ईयर में 150 है वो अपने को ढूंढना है। देखो ए के 2019 में मुझे 150 दिख रहा है, तो ये आपका आंसर है 2019। नेक्स्ट है, दो पार्टनर है वो इन्वेस्ट करते हैं 125,000 और 85,000 एक बिजनेस में, और एग्री करते हैं कि 58% प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड करेंगे, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो रेशो में डिवाइड होगा। एक पार्टनर को 300 ज्यादा मिलते हैं, तो बताओ टोटल प्रॉफिट बिजनेस में कितना था। देखो ये 58% आपके इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी 58% बराबर हिस्से में, तो जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था ए और बी, इन्वेस्टमेंट की रेशो देखो, इसको 125 मान लो, इसको 85 मान लो, 17 और 25। जो ये 58% है ये बराबर बढ़ रहा है, यानी यदि इनके शेयर में मैं बराबर हिस्से में बांट दूंगा इन दोनों में, तो क्या उनके जो प्रॉफिट उसमें कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। जो डिफरेंस आया है वो प्रॉफिट का जो अब जो बच गया, यानी देखो 58% ये है, 100% की बात करूंगा मैं तो बच गया आपका 42%, तो जो डिफरेंस आएगा वो इस 42% की वजह से आएगा, क्योंकि ये 42% उनके इन्वेस्टमेंट के रेशो में बटा है। अब यदि आप ध्यान से देखोगे 25 और 17 का जोड़ भी 42 होता है, यानी टोटल 42% मेरा यहाँ पे भी जोड़ 42 है, यानी 42% मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 25 मिला, इसको 17, टोटल मेरा प्रॉफिट यदि 100 है, तो यदि यहाँ पे 42 नहीं होता कुछ और होता तो मैं इक्वेट करता कि मेरा यहाँ पे जो 42 है आपका 42% है उसकी वैल्यू इतनी है, और जो यहाँ पे होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पे भी 42 है यहाँ पे वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू 1 ही आएगी, तो 100 की मुझे निकालनी है। देखो अब इनका डिफरेंस यदि मैं लूंगा, ये आपका 25 और 17, यानी ये आपका आ जाएगा 8, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 300, 8 की वैल्यू दे रखी है 300, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, बटे मैं डिवाइड करूंगा इससे 150 और फिर आधा कर दूंगा मैं इसको, तो ये आपकी आ जाएगी 37.5। तो यदि मैंने इसको डिवाइड किया 4 से, तो 4 से ये आपको 75 देगा, और फिर उसका फिर आधा है 37.5, तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3750, ये आंसर है। नेक्स्ट है, एक लाइट है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ 13 सेकंड के बाद देखी गई है, पहली बार ये 1:54:50 पे देखी गई थी, लास्ट टाइम 3:17:49 पे। अब नंबर ऑफ टाइम्स बताओ जितनी बार ये देखी गई है, देखो कुछ नहीं करना आपको, 1:54:50 से लेकर 3:17:49 तक सेकंड काउंट करने हैं कितने होंगे, और फिर उसको 13 से डिवाइड कर देना है। जब मैं काउंट कर रहा हूँ इसको, देखो 50 सेकंड हुए हैं, 10 सेकंड के बाद मेरा 1:55 हो जाएगा, प्लस 5 मिनट के बाद मेरा 2 बज जाएंगे, 60 मिनट के बाद मेरे 3 बज जाएंगे, प्लस 3 बज गए तो 17 मिनट के बाद 3:17 हो जाएंगे, और 49 सेकंड के बाद मेरे और सेकंड हो जाएंगे। देखो 49 और 10 टोटल 59 सेकंड होगी, मिनट देखो कितनी है, ये 60 60 और 17 आपका हो जाएगा 77 77 और 5 82, यानी 82 मिनट से। अब 82 मिनट को सेकंड में बनाने के लिए मैं 60 से गुणा करूंगा, 0 6 2 12 48 और 1 49, यानी 49 और 20 ये है, 59 वो है, 9 7 9 4, यानी 4 9 7 9 मेरा टोटल सेकंड आ गई, कैलकुलेशन देख लेना। अब इसको 13 के अंतराल पे देखा जाता है, तो इतनी सेकंड में कितनी बार देखा गया होगा, 13 से डिवाइड कर दो, देखो 13 से डिवाइड करूंगा, 13 ये 39 और उसके बाद बच गया ये 107, तो 13 8 104, उसके बाद 39 13 39, देखो ये आ गया 383, यानी 383 बार देखा गया है 1:54 से जब मैं आगे जाऊंगा, और पहली बार जब देखा गया था वो 1:54:50 पे ही देखा गया था, यानी देखो पहली बार तो 1:54:50 पे देखा गया, उसके बाद 383 बार और देखा गया, तो जो टोटल आंसर है वो मेरा हो जाएगा 383+1, यानी 384, ये मेरा आंसर है, क्योंकि अब जो देखा गया था उसके बाद जो पहली सेकंड आई, अपन ने कैलकुलेट जब भी अपन डिफरेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच का, तो अपन जैसे मैं 5 और 9 का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो 5 और 9 के डिफरेंस में मैं क्या करूंगा, ऐसे स्टार्ट करूंगा, 3 का डिफरेंस है 6, जो 5 और 9 है, सॉरी 4 का डिफरेंस है 5 और 9 में, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, 6 7 8 और 9, तो मैं 5 को काउंट नहीं करता हूँ, यानी 4 है उनके बीच में, वहां से वहां वैल्यू 4 है, ऐसे ही मैंने सेकंड काउंट की है वो 50 से लेकर 49 तक की है, तो मैंने जो 50 है उसको काउंट नहीं किया है, और जबकि उसने पहली बार इस पे भी देखा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 ऐड करना मत भूलना। नेक्स्ट,
आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 2+1, 2 की 32 प्लस वन चार, सॉरी 2 की 2+1 4+1 8, 16 और 32। यहाँ पे जो एक है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, और जैसे ही मैंने 2 माइनस 1 लिखा ये 2+1 हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी ये होगा 2 की 2 माइनस 1, फिर आगे 2 की 2 प्लस 1 है ये मिलके हो जाएगा 2 की 4 माइनस 1, फिर 2 की 4 प्लस 1 है वो मिलके हो जाएगा 2 की 8 माइनस 1, 2 की 8 प्लस 1 है ये मिलके हो जाएंगे 2 की 16 माइनस 1, 2 की 16 प्लस 1 है वो मिलके हो जाएंगे 2 की 32 माइनस 1, 2 की 32 माइनस 1, 2 की 32 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 की 64 माइनस 1। ये मेरा आंसर है, जस्ट यही है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, तो ए क्यूब बी क्यूब जेड क्यूब के बराबर क्या होगा, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से आप देखोगे एक्स की वैल्यू आपकी ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, यदि मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड करूंगा यहाँ से तो मेरा जीरो आएगा। देखो इसकी वैल्यू कुछ भी रख दो, एक रख दो, दो रख दो, तीन रख दो, कुछ भी रख के यदि मैं जोड़ूंगा इनको या फिर सीधा इनको गुणा करेंगे यदि अपन, तो इसका जो वैल्यू है वो जीरो आएगी। यानी जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जीरो होता है तो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डायरेक्ट 3xyz के बराबर होता है, यानी इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2sin है। देखो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 2sin है, और ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है 2sin a × 1+sin a, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये बराबर होगा 1+sin a + cos a × 1+sin a − cos a। यहाँ से आपको दो चीज दे रखी है 2sin a, देखो आपको दे रखा 2sin a × 1+sin a, और बटे में ये प्लस वाली टर्म लेके आ गया, तो ये बराबर हो जाएगा 1+sin a − cos a, यानी आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है देखो ये DI है, अब आपको क्या करना है, शहर R में या नीचे गए प्रश्न का उत्तर तालिका का अध्ययन करें, 20 में अलग अलग शहरों की जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन ये है, मैन ये है, वोमेन ये है, अब चिल्ड्रन ये है, बाकी क्या दे रखा है, इन सिटी आर अमंग द चिल्ड्रन द रेशो बॉय टू गर्ल, यानी आर में चिल्ड्रन में 2:3 है, पी अमंग द चिल्ड्रन रेशो बॉय टू गर्ल 5:4 है, पी ये है, इसमें 5:4 है। अब बताना टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एंड सिटी आर टुगेदर, यानी पी और आर में टोटल कितने हैं। देखो अपने को क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन इतनी है इसकी, इसकी टोटल पॉपुलेशन यदि मैं बात करूं इतनी है, और इसमें से 45% मैन है, 35% वुमेन है, और 20% आपके चिल्ड्रन है, तो क्या करो डायरेक्ट, देखो 20% में से भी जो आपका पी है, देखो पी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 20% को, और 20% में से भी जो चिल्ड्रन है उसमें कह रहा है बॉय टू गर्ल वो 2:3 है, तो यदि मैं 2:3 की बात इसमें तोड़ूंगा तो देखो 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, यानी ये 12% है, ये 8% है। यदि मैं बात करूंगा सी टी आर की, आर में टोटल 10% है, देखो ये 10% है, इसमें से बॉय और गर्ल की बात करेगा वो 5:9 है, यानी 5:4 है, अमंग द चिल्ड्रन द रेशो बॉय 5:4, स्टार्टिंग में बात कर रहा है आर, यानी अपन उल्टा ले गए, देखो स्टार्टिंग में आर की बात कर रहे हैं, बाद में पी की बात कर रहे हैं, यहाँ आर है यहाँ पी है, आर में आपका कह रहा है देखो 10% है, इस 10% में कह रहा है इन सिटी आर 2:3 है, तो 2:3 5 की वैल्यू 10, 2 की 4 3 की 6। अब ये कह रहा है इन सिटी पी, पी में जो टोटल है वो आपका 20 है, और इसमें कह रहा है 5:4 की, यहाँ पे देखो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिटी पी एंड आर टुगेदर, यहाँ पे देखो 4:6 आ गया। अब यहाँ पे आप टोटल की बात यानी इक्वेट करोगे तो देखो ये बॉयज हैं ये गर्ल हैं, अब गर्ल्स की रेशो देखोगे ये 4:9 हो जाएगा किसका, 20%, यानी ये 80:9% है डायरेक्ट, सीधा मैंने इसकी परसेंटेज निकाल ली। अब ये बॉयज था ये गर्ल था, और लड़कियां का टोटल पूछा है कितना होगा, तो आर का तो सीधा 6% निकालो, आर 42,000 है, 42,000 का सीधा 6%, इससे ये गया 0, 6×12, 6×24 = 25, 2520 आ गया, और यहाँ पे इसका 4:9 यानी 80:9% निकाल दो, 80:9 निकल गया किसका, यह आ गया पी का, पी है 46,800/100, इससे ये गया 9 पे 9×5 = 45, 9×2 = 18, यानी 0 और 8×2 = 16, 6 40 = 41, 4160 इसमें जोड़ दो,
जीरो आठ छ और छ, यानी 6680 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 284 भाग में 5 डिवाइड, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो 284/5, देखो ये डिवाइड है, पहले इस ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे अपन, 4/5 इनटू, सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होती है आपकी, 15 और 35 आपके हो जाएंगे 50 -55 और 3, 58/5। देखो 5 पे गया 10, यानी ये 40 -58/5 पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, और फिर दे रखा है 284/5। यहाँ पे देखो 200, 200 में से 58 गई यानी 142, तो 284/5 डिवाइड है 142/5, तो इसको मैं लेके जाऊँगा तो ये पलट जाएगा, इंटू 5/142 आ जाएगा, 5 से 5 ये गया 2 पे, यानी 2 आपका आंसर है। तो ये थे आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आप सभी को मतलब पसंद आए होंगे। इसके अलावा जो भी आपके मेथड, देखो यही नहीं कह रहा मैं सिर्फ यही मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड हो सकते हैं, और भी बेस्ट मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेथड खुद के ट्राई करने हैं कि क्या मैं इसमें सोच सकता हूँ और बेटर। जिस दिन आपने अपने मेथड सोच लिए, या फिर आप क्वेश्चन को आसानी से करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन मतलब समझ लेना आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।